एजी, आपको पता है ना कि आज फ्राइडे है। तो मुझे फ्राई करोगी? आज चिंटू घोड़े पर बैठना चाहता है, अपनी पीठ पर बैठा लो तब जाना। सिर्फ घोड़े की ही सैर क्यों, अपने ऊपर बैठा लो, हाथी की सैर कर लेगा। एक निकम्मा घर में पड़ा रहता है उस पर बैठा दो, गधे की सवारी हो जाएगी। धीरे बोलो, अलार्म की तरह बजते रहते हो, उससे सोने दो। जब आदमी मेहनत करता है ना तब थक जाता है, ये तो सो सो कर एक भैंसा बन चुका है, जाकर उठाओ उसे। भाभी फिर से भिखारी भीख मांगने आ गया, उसे छुट्टे पैसे दे दो। वो भिखारी नहीं तुम्हारे भैया है, रोज की तरह शुरू हो गए। अरे लेजी किंग, इतना तो उल्लू भी नहीं सोता है, सुबह के 9 बज गए हैं, उठो। क्यों उठा रहे हो, मुर्गे हो क्या? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ता है। काम करने से ही कोई बड़ा आदमी बनता, तो आप हवलदार नहीं डीआईजी होते। अरे सुबह सुबह अपना मुंह तो धो लिया करो, पहले ही एक जॉब से हाथ धो बैठे हो। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुना, सामने वाले पप्पू को देखा तुमने? तुमसे करीब 2 साल छोटा है, मगर आज 40,000 कमाता है। रोज सुबह जब वो अपने बाप को बाय कहता है तो उनके दिल को कितना सुकून मिलता होगा। मुझे कब मिलेगा ऐसा सुकून? धोनी आपसे 25 साल छोटा है, फिर भी पैसे कमाने में वो बंदा सेंचुरी लगा रहा है। सिंगल तो लो, दूसरों को देखकर अपनी कुंडली मत बनाओ, किस्मत में जो लिखा है उसी का खाओ। क्यों भाभी, नाश्ता तैयार है? तेरे लिए अंडे और पराठे बनाए। चुप रहो चिंटू, तुम तो कम से कम इस बार मुझे फर्स्ट रैंक ला दो। कोशिश जारी है, नसीब खराब है, क्या करूँ पापा। ये भी देवी माँ, अगर तुमने मेरे कामचोर भाई को काम पे लगा दिया तो इस नवरात्रि मैं सिर्फ 2 वक्त खाकर उपवास करूंगा। हम अंदर जाएंगे तो चप्पल का ध्यान रखना, ठीक है? इलेक्शन में खड़े हो क्या भाई? क्या ब्यूटीफुल नजारा है ना। पगला गया है तू। भैया काश अपनी माँ इतनी खूबसूरत होती तो हम दोनों भी कितने हैंडसम होते ना। मजा आ रहा है चाचू। मुझे नहलाने के बजाय डुबा क्यों रहे हो? मैं टाइटैनिक हूँ क्या? नहीं ना आना मुझे। चलो मेरी आइटम को ढूंढता हूँ, उससे अच्छी मॉडल नहीं मिलेगी मुझे। क्या आइटम है, खुश कर दिया। कमा गई। मास्टर 2 मिनट के लिए बैग संभालोगे? क्या रे, अंदर बॉम्ब है क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं सीमा पार किया हुआ आतंकवादी हो। मेरे शक्ल पर लिखा थोड़ी होता है, टेररिस्ट कश्ती से ही आते हैं। अबे घूर क्या रहा है? देखने के टैक्स लगता है क्या? गवर्नमेंट भी तेरी शक्ल देख के टैक्स फ्री कर देगी तेरे को। जीजा जी वहाँ क्या करें, यहाँ आइए। मैं अभी आया। क्या बोल रहा था? भैया आपकी बैग के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था ना, मैं हूँ ना। तू चमगादड़ है क्या? चमगादड़ की तरह उल्टा लटकता भी हूँ। पागल लगता है। बहनोई बैग हैवी है, संभालूं? मुझे बहनोई कहा नहीं, चटपटा मसाला कहा। क्या वो कन्या कौन है? वो मुझे जीजा बुलाती। और तुम? और मैं उसको साली। आशीर्वाद दीजिए ना। रुक जा, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगा, उसे कभी नहीं। क्यों जी, यहाँ वहाँ लाइन मारते क्यों फिर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाने गया था। पर मैंने तो पहने। चुप करो, पूरा पानी मैला हो गया लेकिन तुम नहाकर साफ नहीं हुई। तुम यहाँ पे डुबकी लगाने आई हो कि मछली पकड़ने? जाओ जाके कपड़े बदल लो। कृष्णा किसे घूर रहा है? तेरी फ्यूचर भाभी को। वाह क्या गजब लड़की है। कैसी लगेगी हमारी जोड़ी? दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी रहेगी मेरे दोस्त। हेमा मालिनी और गब्बर सिंह की तरह, है ना? शोले भड़काएगा तो ठाकुर की तरह हाथ नहीं रहेंगे, साले धोने के लाले पड़ जाएंगे। तुम तो मेरी बात सुन, ये 50,000 की रिंग ले, उसके कदमों में फेंक दे, फिर पोलाइटली पूछ दिस 50,000 रिंग इज आपकी? फिर वो कहेगी नहीं मैं महंगी रिंग नहीं पहनती। तभी मैं एंट्री मार के कहूंगा ये आधे पेटी की रिंग मेरी है। फिर तू रिंग मुझे दे देना। तब मैं कहूंगा अगरबत्ती की रोशनी में तेरे जैसा लड़का दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तारीफ करते जाऊंगा, वो सुनती जाएगी। वो पड़ जाएगी ना, सोचेगी ला रिंग दे। ये ले लो रिंग पहन लो। ये मेरी नहीं है। ध्यान से देखो, आप ही की होगी। अरे उसने बोला ना कि ये उसकी रिंग नहीं है, ये उसके साड़ी से मैच भी नहीं हो रही है। साड़ी से नहीं, ब्लाउज के स्लीव से मैच कर रहा है। लीजिए। लगता है रिंग पहना के ही छोड़ेगा। पहन के देखो ना, फिट होगी। आप इनकी छोटी बहन लगती है, इनसे कहिए ना पहन ले। शर्मा रही हो क्या? ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी है। अंगूठी गई। वैसे आपकी उंगली में भी बहुत अच्छी लग रही है। वो रिंग मेरी है। तुम्हारी कैसे? तुम्हारी शक्ल रिंग से मिल रही है। बस करो, बहुत कर लिया ये ड्रामा। एक्चुअली ये तुमसे बात करना चाहता था, ये रिंग वाला ड्रामा इसीलिए किया। प्लीज मेरी रिंग वापस कर दीजिए। इसके चक्कर में मेरी रिंग चली गई। बाप रे, आप मोटी उंगली मत डालिए, साइज बड़ी हो जाएगी। चिंता क्यों कर रहे हो बड़े भैया? दशहरे के दिन सोना मिलना शुभ होता है और जो देता है वो भाई बन जाता है। बाबा, क्या रिलेशन बनाया है। बहुत हुआ, चुप कर। तुम लोग चलो यहाँ से। सर जी रिंग बहुत महंगी थी। बिन मांगे आइडिया दोगे तो महंगा पड़ेगा ही। मेरा आइडिया मुझे महंगा पड़ गया। फ्री में आइडिया देते रहना। अंगूठी वापस मिलेगी ना? सोने की रिंग गई तो क्या हुआ? तुझे शादी में पीतल की दूंगा। Once more, now no more. देखना, मन में भक्ति रखना, लेकिन धक्के मत खाना। जीजा जी, लाइन इतनी लंबी है कि दर्शन करते करते रात हो जाएगी। अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम दर्शन करोगी। मैं कुछ करता हूँ। अरे मुझे छूत की बीमारी है, चलो हटो यहाँ से। अरे दर्शन करने दो। तुम मंत्री जी के खास आदमी हो, रिजर्वेशन करा लेते तो लाइन नहीं लगानी पड़ती। कोई ट्रेन है जो रिजर्वेशन करवा लूं? मंत्री जी खुद कब से लाइन में खड़े हैं। रहने दो, ट्रेन में भी वेटिंग में ही ले जाते हो। छू हो गई। उसे एक बार देखा, अंगूठी चली गई। दोबारा देख के क्या मिलेगा? ढूंढ वरना तू नहीं मिलेगा। भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी ऊपर तक पहुँच है, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। रहने दीजिए, मेरे जीजा जी हमें दर्शन करा देंगे। उस बटले के साथ दर्शन करके भगवान थोड़ी मिलेंगे। कम विद मी। चप्पल तो बड़ी अच्छी है आपकी। टेस्टी भी है, खा के देखोगे? मैं अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ, भूख नहीं है, इससे पूछता हूँ। तू खाएगा? खा लो खा लो, प्यार से खिला रही है। ये खा। अरे बाप रे, तुम्हारी ऐसी सर्विसिंग किसने की? आज भीड़ बहुत ज्यादा है। मेरी बात मानो, दर्शन किसी और दिन कर लेंगे। जीजा की तो हजामत हो चुकी है, मेरे साथ चलोगी? आप लोग उस गेट से जाइए, इस गेट को खाली कर दीजिए। इतनी लंबी लाइन है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तुम्हें मारता रहूंगा और तुम आगे बढ़ते रहना। कान करो, धीरे बात लग रही है। कुछ काम नहीं करता। वो क्या देख रहा है? गेट खोल। मैं आईएएस ऑफिसर का भाई हूँ। चलो चलो आ जाओ, सब मेरे। चलो चलो। आईएएस ऑफिसर की जय। तुम्हारे चप्पल संभाल। अरे खाली। बड़े भैया कृष्णा कहाँ है? वो आपका नाम लेकर किसी और को लेकर गया, आप लाइन में खड़े। सुनिए पंडित जी, पूजा एकदम मस्त होनी चाहिए। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, पूजा श्रद्धा से होती है। पंडित जी प्रवचन मत झाड़िए, नाम पूछ के पूजा शुरू कीजिए। आपका नाम बताइए। रेडीमेड। क्यों? मुझे सब रेडीमेड चाहिए ना, इसलिए नाम पड़ गया। शक्ल से ही लगते हो। और आपका नाम बताइए। संध्या। संध्या नाम में तो अंधेरा जरूर है, लेकिन दिखने में कितनी गोरी है। माँ मुझे आशीर्वाद दो, अगले साल तक इसके ट्विन बच्चे मुझे पापा कहें। हम कॉलेज बंक करके यहाँ घूमते रहते थे, इसलिए यहाँ के बारे में सब पता है। यहाँ आते थे कॉलेज बंक करके, लड़कियों को तंग करने के लिए। भैया एक्शन सीन तो हो गया, अब कॉमेडी क्यों कर रहे हो? तो इतने सारे लोग जो यहाँ आते हैं कहाँ रहते हैं? इतना आसान सवाल मैं बताता हूँ। यहाँ जगह नहीं हुई तो क्या हुआ, बाहर 5 स्टार बुक करते हैं, 40-50 हजार में हो जाता है जुगाड़। अगर क्लास बंक नहीं करते तो सही सही अमाउंट बताते। तुम्हें देखने के बाद मैं सब कुछ भूल गया, तुम ही बता दो ना। माँ के भक्त कहीं भी रह सकते हैं, भक्तों के लिए धर्मशाला है। जमीन पर बिछाने के लिए एक चादर और ओढ़ने के लिए कपड़ा ही काफी होता है। थैंक यू संध्या जी, आज आपने मेरा आईक्यू का लेवल हाई कर दिया। फोन नंबर मिलेगा? नंबर क्यों दूं? करोड़पति में फोन और फ्रेंड में काम आएगा। चल चल निकल यहाँ से, खड़ी मत रहो। चलो संध्या जी, घर का नंबर प्लीज। चलना। जीजा जी लिखो नंबर। बोलिए। 257-257-4382-4382। कोई उठा नहीं रहा है यार। लगता है उसने पुलिस वालों का नंबर दिया है, इसलिए पहले एम्बुलेंस बुला ले। आज तो ये मार खाने वाला है। जब स्कूल में बच्चा मार खाता है तभी वो आगे बढ़ता है। वैसे ही प्यार में जब प्रमोशन पाना हो तो गर्लफ्रेंड के हाथ का थप्पड़ खाना जरूरी है। हम नहीं आएंगे, तुझे जाना है तो तू अकेले जा। अरे उसका पता निकाल और पहुंच जा। व्हाट एन आइडिया सर जी। हेलो इंक्वायरी। रुको। अरे सीनियर सिटीजन है, सरकार भी इन्हें सहूलत देती है, तुम क्यों मार रहे हो? बीच में बोलने वाला कौन है बे? संध्या का बॉयफ्रेंड। अरे इसे मारने के बजाय फोन का रिसीवर ठीक से रख के आओ। धुलाई के वक्त फोन नहीं उठाते। गुड डायलॉग। उठो चाचा, क्यों मार रहे हो आपको? संध्या को देख रहा था। क्या? इसमें तेरी गलती नहीं। संध्या आइटम ही ऐसी है कि किसी की नजर ना हटे। वन टास्क की गोली ले वरना ये टपका डालेंगे। निकल लो, पतली गली पकड़ लो। ये संध्या किधर है? ऊपर है। ओके संध्या। अरे कौन है तू जो बिना पूछे मेरा फोटो खींच रहा है? संध्या का फोटो खींचने आया था। मैं ही संध्या हूँ। क्या मजाक है, आप कितनी गोरी हैं। वैसे आप कौन सा फेयरनेस क्रीम लगाती हैं बताइए? तो तुम क्रीम बेचने आए हो, चलो निकलो यहाँ से। नाराज मत होइए, संध्या ने यही नंबर दिया था। तुम्हें पता है ये किसका घर है? किसका है? डंका यादव। डंका यादव। यहाँ कोई छोटा बच्चा है, वहाँ पोलियो बूथ पे पोलियो पिलाना है। मैं पोलियो से आया हूँ। तुमने मेरी फोटो ली, अब तुम्हारी उतरेगी। अरे कोई है यहाँ? काहे उन्हें बुला रही है? मैंने सुना है औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। आज आपने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे भागना पड़ेगा। जाने मत देना। अरे मैडम बोनस पार्टी है, जाओ जाओ। अरे निकम्मो, कर क्या रहे थे? वो बगैर पूछे ऊपर आ गया। किसने भेजा उसे? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं था? किसने रुलाया तेरी बहन को? पोलियो वाले ने। वो कौन था? अगर पता नहीं चला तो तुम सबका क्या होगा? हमें पोलियो का डोज लेना पड़ेगा। समझदार है साले तू। जिसने भी हमारी पत्नी की फोटो उतारी है उसके पूरे खानदान की फोटो पे एक ही फूल माला चढ़ाऊंगा। जितने इसके आंसू बहे हैं उतना ही उसका खून बहेगा। तुम लोग क्या चाहते हो? हम उसे नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ढूंढो उसे। वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कराने जाते हैं और तू पहला आदमी होगा जो प्रॉब्लम लेके आया। चुप रहे, मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू याद दिला रहा है। और कोई आइडिया निकालो यार। चाचू। चिकू। क्या हुआ मुन्ना? गुंडे आए थे। गुंडे? हमारे घर। हमारे मम्मी पापा। क्या हुआ आगे बोल। पुलिस से बात हुई? साले उनसे क्या बात करना, वो हमेशा काम हो जाने के बाद ही पहुंचते हैं। जब इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं तो कैसा लगता है पता चला? तुम्हारा भाई मेरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है। तेरे टपोरी भाई की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी की तस्वीर उतारे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ले फोन कर और अभी बुलाओ उसे। मैं मानता हूँ कृष्णा शरारत करता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल सकता है, पर किसी औरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मेरा यकीन मानिए। देखो पूरे पब्लिक का टाइम खराब हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कर। बुलाओ से। कहाँ है वो? डंका भाई, सब मेरी गलती है, ये लोग बेकसूर है। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, इन बेचारों को जाने दीजिए। ओहो, तुम ही हो जिसने मेरी वाइफ की फोटो खींची है। कैसी आई है फोटो? फेसबुक में डाला कि नहीं? अरे अखा मुंबई मेरे साथ फोटो खींचना चाहती है और तूने मेरी पत्नी की फोटो खींच ली। कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहता? भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया, एक लड़की ने अपना नंबर बोल के आपका नंबर दिया। इनकी गलती नहीं है, मुझे भी माफ कर दो। अरे तुझे माफ करना होता तो इतनी पब्लिसिटी अब नहीं करता। सर इसे मालूम नहीं था सर, अब माफ भी कर दीजिए। अरे वो तुझे मालूम, मुझे मालूम, लेकिन सर वो आगे से अपनी भी फोटो नहीं खींचेगा, प्लीज माफ कर दीजिए सर। लगी तो नहीं। लगी तो नहीं। सर चाहिए उसका। इधर आ, इधर आ। तू तो गया। रोज 40 से अंडे खाता है और कितने से पिट रहा है। जिया जी, जिया जी, भाग चलते हैं। भगोड़े, मारने तो मार। यहाँ क्या हो रहा है? किसी लड़की ने रॉन्ग नंबर दिया था। तेरी भी एक फैमिली है, इसीलिए आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर कभी तूने मेरी फैमिली की तरफ देखा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। संध्या, संध्या, क्या हुआ जीजा जी? ये तुमने क्या कर दिया? ए जी, कुछ करने से पहले मीठा हो जाए। मेरा दिमाग गर्म है और तुम मुझे मीठा दे रही हो। भगवान का प्रसाद है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। लाओ, दो। नहीं मानोगी। क्या हुआ जीजा जी? ओम शांति हो। उस दिन तुमने उस चिपकू को रॉन्ग नंबर दे दिया, उसके जिंदगी में सब रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नंबर ही तो दिया था, ऐसा क्या हो गया? तुमने उस लड़के को जो नंबर दिया था वो डंका यादव का था। ये कौन है? सबसे खतरनाक और बदसूरत आदमी। उसने कृष्णा पर जानलेवा हमला किया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। जीजा जी, उसका एड्रेस दीजिए, मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया। अगर तुम उसे सॉरी बोलोगी तो वो तुमसे हमेशा के लिए चिपक जाएगा। बॉस, क्या हुआ? लड़की थाने में नहीं है। मैंने याहू, गूगल सब में सर्च मारा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? विरार की खोली में। और बीवी? वो तो मेरे पनवेल वाले घर पे है। अगर शाम तक उस लड़की का पता नहीं चला तो उसे विरार वाली सौत के बारे में बता दूंगा। पर वो तो मायके गई है। तो तुम दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो और मेरी जिंदगी उस लड़की की वजह से नर्क बन गई है। हमारे पास 2 महीने है। अगर 2 महीने में वो लड़की नहीं मिली तो समझो तुम्हारी फैमिली भी खत्म। कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढो, समझे? सुन बे। यस बॉस। हमारे अलावा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना तुम्हें। ओके बॉस। साइलेंट फिल्म चल रही है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा था, कुछ फर्क पड़ा? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो, पप्पू से कुछ सीखा। हाँ, जा रहा हूँ ट्यूशन लेने। अरे रुक जा पप्पू, ब्रेक लगा। 5 स्टार होटल में वेटर, दिखावा आईटी कंपनी के मैनेजर का। अबे तेरी वजह से रोज अंदर मेरी क्लास ली जाती है। अबे बचपन के वो दिन भूल गया जब फटी हुई चड्डी का नाड़ा बांधना नहीं आता था तो वो जॉब मुझसे करवाता था। आज जब तेरी जॉब लग गई तो मेरी चड्डी उतार रहा है। तेरी आवाज तेरी मम्मी के अलावा किसी ने सुनी तो कान सुन कर दूंगा। चल निकल। काम चवन्ने का, दिखावा बाराने का। बहुत अच्छे, अब गुंडागर्दी पे उतर आए तुम। उसे शांति से समझाया ना। रुक जाओ, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे, निकल जाओ। क्या? क्यों चला जाइए यहाँ से? अरे डंका यादव इसे जीने नहीं देगा। गुंडे से डरने की क्या जरूरत है, चाचू से मार डालेगा। देखा तुम्हारी संगति का असर। इस शहर में आपके अलावा सब मेरे जैसे हैं। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। किसी के भी डर से मैं शहर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप पर जो उंगली उठाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। काफी खर्चा किया है घर पे। मेरी अंगूठी बेच के घर बनाया है। अबे ज़्यादा बोलेगा तो अंगूठा तोड़ दूंगा। मेरे भाई, जैसा घर सुंदर है वैसे भाभी भी सुंदर है। बोलते रहे, उसकी तारीफ तो मैं शाम तक सुन सकता हूँ। यार, इस घर का मेन डोर कहाँ पर है? मिलने के लिए मेन डोर नहीं, बैक डोर से जाते हैं। वो उल्लू का पट्ठा कौन है? जय बजरंगबली, तेरा ही सहारा। कोई देख लेगा, छोड़ो ना। उस दिन तो छोड़ा था। लगता है किचन में मची है खलबली। जय श्री कृष्ण। घंटी को भी अभी बजना था, दिमाग का घंटा बजा दिया। डोंट गो, आई एम कमिंग। रेडी रहो, आके मेड खेलेंगे। घंटी बजा के डिस्टर्ब क्यों किया? इंटरव्यू के लिए जा रहा था, सोचा आशीर्वाद ले लूं। सही है, लेकिन टाइमिंग गलत है। चल ले। विघ्नहर्ता रक्षा कर। चल निकल। और ये लुंगी उठा के आशीर्वाद क्यों ले रहा है? माँ बाप के पैर छूने वाला सच्चा बेटा, मकान मालिक के पैर छूने वाला डरपोक। उसका डर निकल जाए तो सच्चाई भी बाहर निकलेगी। तो निकालो। हाय हेलो। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? डब्बू सिंह। डब्बू सिंह, आपका घर कहाँ है? कोलीवाड़ा के प्रतीक्षा नगर में। कोलीवाड़ा में? बचपन के दोस्तों के नाम याद है? हाँ क्यों नहीं याद है, तो बोलो ना। चपड़ चपड़, युधि, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। डब्बू मेरे दोस्त। तुम कौन हो? मैंने नहीं पहचाना। लंगोटिया दोस्त, नकुल मैं तो हूँ, लेकिन लगता तो नामकुल है। इनसे मिलो, ये है तुम्हारे बचपन के दोस्त। लेकिन मैंने इन्हें नहीं पहचाना। तू बचपन से ही कंफ्यूज था, तूने 5 नाम लिए, हम वही तो 5 हैं। नाम तो पांचों के बराबर है, लेकिन शक्लें बिल्कुल अलग हैं। हम लोग बदल गए लेकिन तू नहीं बदला। वही रूसी वाले बाल, वही फटी आवाज और वही जला भुना कलर और वही मूंछे। शट अप, कोयले की खान की इतनी मत खींचो। करेक्ट, मतलब मैं तुम्हें बदसूरत लगता हूँ। दोस्ती में सूरत नहीं देखते, क्योंकि दोस्ती अंधी होती है। लेकिन ये तो प्रेमियों का टैगलाइन है। यार जमाना बदल गया है। मुझे तो लग रहा है जमाना नहीं, दोस्त बदल गए हैं। तू बचपन से कंफ्यूज्ड है, एक पैग मार सब समझ जाएगा, वरना बिल भरने पर तो समझ ही जाएगा। हाय फ्रेंड्स। हाय। अब ये सातवां कौन है? मेरे बचपन का दोस्त है। ये कौन है? इनके बचपन का दोस्त। ओहो, बार-बार फेल होने वाले सारे दोस्त बार में हैं। पर मैं फेल नहीं होता था। आई हैव सीन यू समवेयर। तुम रेडीमेड के ऊपर रहते हो ना, रोज उसकी लुंगी उठा के आशीर्वाद लेते हो। क्या सच में लेना पड़ता है? बेशरम हो गया है। शर्म करूंगा तो बेघर हो जाऊंगा। अरे तुझे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, उसका घर खाली कर दे। वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जान से मार डालेगा। तुमने मुझे उसका पैर पकड़ते हुए देखा है, लेकिन गला पकड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? अरे यार, रेडीमेड का सविता बाई के साथ चक्कर चल रहा है। वो रोज रात को 1 बजे के बाद मेरे दरवाजे की बेल बजाता है। देर की हुई दरवाजा खोलने में? सो रहा था। हमेशा के लिए सुला दो क्या सविता? सर मुझे सुबह काम पे जाना है। तो मेरा काम तेरा बाप करेगा, जाके बरामदे में सो जा। सर मैं रोज ऑफिस आपकी वजह से लेट पहुँचता हूँ। लेकिन ऑफिस तो पहुँच जाता है ना, पर इसका पति रोज बाहर जाता है क्या? अरे खड़े खड़े इसे घूर कर रहा है। पैर छू पैर छू। सबिता को भाभी नहीं अपनी बहन समझ। मैं ठहरा बैचलर, उनकी हरकतों से मेरी भावना के उबलने की संभावना बढ़ने लगती है। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ए पापी रुक रुक, बोला ना रुक। यहाँ कोई फिल्म चल रही थी क्या? तू हॉल से देख रहा था? खिड़की से दिख नहीं रहा था। क्या दिख नहीं रहा था? अरे अंदर आके बैठ के देखना, पूरी शूटिंग देख सकता है। जैसा आपका है। जाके मेरे लिए एक ब्रांडी लेके आ। मंगलवार को ब्रांडी नहीं पीना चाहिए। तो जाके विस्की ले आ। आपका नाम लूंगा तो नहीं देगा। क्या? मेरे नाम से कुत्ते भी कांप जाते हैं। आपको देख के तो नहीं लगता सर। मुझसे डायलॉग बाजी करेगा? अंदर से मेरा बेल्ट तो लाना। तकलीफ मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। सुन, खम्बा लाना। अब कभी की होल से नहीं देखूंगा। कहाँ से देखेगा? कहीं और से देखूंगा। बहुत हुआ, उसका अत्याचार सहने की तुम्हें आदत हो गई है, मगर हमें सुनने की आदत नहीं है। जाओ उसका मुकाबला करो। लेकिन मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। अब हम तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे, वो घर मुझे चाहिए। पर क्यों? हाँ, अब तक वो तेरी बैंड बजाता था, अब हम वहाँ जाएंगे उसकी बैंड बजाएंगे। इतनी रात को? अबे, तेरे को रात को डिस्टर्ब करता था, सारे काम रात को होंगे। ए, जाओ अकाउंट क्लोज करके आओ। हाँ एक बार में पिज्जा। तूने पी रखी है क्या रे? आधी रात को बेल बजा रहा है। चेक कर रहा था कि आपके दरवाजे की घंटी बजती है या नहीं। चल माफ किया, जल्दी से पैर चुका। तो नीचे कर, वरना तेरे साइलेंट मोड का बटन दबाकर वाइब्रेट कर डालूंगा। क्या रे, तू मुझे साइलेंट मोड पे डालेगा? तू होश में तो है? अब तू अपने होश संभाल रहे। नमस्ते मैडम, आप अपनी पूजा में व्यस्त रहती है और ये अपनी सविता बाई में मस्त रहता है। कभी शावर में, कभी टॉवल में, कभी चादर में, कभी बेड के ऊपर तो कभी बेड के आगे पीछे। सविता के साथ इसका टाका भिड़ा है मैडम। हाँ, सुनिए जी सुनिए, ये आदमी क्या कह रहा है? आपका और सविता का टाका भिड़ा है। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। सारी एक्टिंग करती है। चल अंदर चल, अंदर चल। ए बेवड़ा चल अंदर। अरे तू भी चल ना, इसके साथ जाएगी क्या? देखो संध्या, तुम्हारी दीदी मुझ पे शक कर रही है, वो भी संत आदमी पे। समझाओ क्या है, बताओ मुझे। समझाता हूँ, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। वो सविता से प्यार करता है। पर सविता शादीशुदा है। तुम्हें पता है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं है। वो शायद भूल गया है, मैं उसे याद दिला के आता हूँ। संध्या इसे अंदर ले जाओ और भक्ति संगीत सुनाकर इसके अंदर की सोई हुई पति भक्ति को जगाओ और आवाज तेज कर देना ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आने पाए, यहाँ तक कि मेरी भी। चलो टाइम खोटी नहीं, निकलो। तुम अंदर जाके पति का नाम जपो, मैं उसका राम नाम सत्य करके आता हूँ। क्यों रे, अंदर धुलाई हो रही थी तेरी? क्या रे? अरे तुम अचानक बदल कैसे गए मेरे भाई? घर वाली को बाहर वाली के बारे में बताओगे तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम भी नहीं करेंगे। ये कौन सी टीम है? ये धुलाई टीम है, मेरे बचपन के बिछड़े दोस्त। ये है तेंदुलकर, मैं जो जी में आकर। आज हम यही गेम खेलेंगे। पूजा, संध्या, दरवाजा खोलो। अरे वॉल्यूम इतना तेज है, मेरा वॉल्यूम नहीं पहुंच रहा होगा। दरवाजा खोलो। अर्धांग जी दरवाजा खोलो। मेरे टकले पे किसने हाथ साफ किया? मैंने क्या उखाड़ेगा? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। एक गरम खबर है, कहे तो बताऊं? हाँ बताओ। मेरा दोस्त तेरा घर खाली करेगा 10 मिनट। इतनी जल्दी क्यों? 1 महीने का एडवांस दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे दूर रहो, यह है पिद्दी। अरे लेकिन शिफ्टिंग के लिए लॉरी भी तो चाहिए। हम तुम्हारे पैकअप की पूरी तैयारी करके आए। मेरा पैकअप? फंबल हुआ, पैकअप नहीं पिकअप। एक बात कहूँ? वो कौन सी? जब कोई माचिस मांगे तो उसे लाइटर नहीं देना चाहिए, हो सकता है उसे कान खुजाना हो। बहुत सही बात कही। थैंक यू। वेलकम। आई नो कम आई गो। शराब पी के चूहा भी शेर हो गया। आज पहली बार मैंने बहादुरी दिखाई। तुम तो आजाद हो गए मेरे दोस्त। जाओ कहाँ? कहीं भी जाओ। तूने बंदोबस्त नहीं किया? तुमने मेरे लिए रूम नहीं ढूंढा? टेंशन मत दे, कुछ भी बोलता है। अब तू क्या करेगा? जैसा तुम कहोगे। मैं बाइक में आगे, तू ट्रक में पीछे। जा चल जा बेटा। कहाँ जाना है? मेरे दोस्त मोबाइल की तरह है, तू नेटवर्क की तरह फॉलो कर। चल अब देर ना कर। आज तो इसकी बैंड बज गई समझो। मैं राइट तुम लेफ्ट, जाओ। ओके। लेफ्ट जाऊं कि राइट? अरे मैं तो आउट ऑफ कवरेज हो गया। उनको फोन क्यों नहीं करते? उनका नंबर नहीं है मेरे पास। तुम तो बोल रहे थे दोस्त है। उन्होंने भी तो यही कहा था। लगता है वो तुम्हें उल्लू बना गए। तू सच कह रहा है, इसलिए मैं दिन में देख नहीं पाया। तुझे उल्लू ही नहीं, साथ में गधा भी बना गए। मैं गधा नहीं, मैं तो गधों का सरदार हूँ, इसलिए तो उनकी बातों में आ गया। पहले बोल कहाँ उतरना है? सुलभ शौचालय पे उतार देना। वहाँ किस लिए? क्योंकि वहाँ से नहा के मुझे ऑफिस जाना है। हम अचानक घर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि उस घर में हमारी किस्मत सोई हुई थी। इस घर में भी नहीं जागी तो तुम्हें ही बदल दूंगी। और सुनो, नए पड़ोसियों से झगड़ा मत करना। ए, तुम मुझे साफ सफाई वाले दिख रहे हो, घर की अच्छे से सफाई की या नहीं? यही लैंडलॉर्ड। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? सॉरी सर। अब पहचाना? जाओ मगर किराया टाइम पे देना। ओके सर। स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में ही रुके हो। सॉरी नहीं बोला, फिर भी माफ कर दिया। अरे ये यहाँ क्यों आ रहा है? पूजा इतना, अरे जिसने तुम्हें रिंग दी थी वो आ रहा है। मैं वापस नहीं दूंगी। दोगी कैसे नहीं? वो तुमसे छीन लेगा। संध्या के बारे में पूछे तो कहना ससुराल गई। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? कुछ भेजे में घुसा? हाँ, घुसा। तो जाके संभालो। एनीबडी होम? कैसे हो? मीडियम साइज पतीला है, रेडीमेड। हाय। ना तो इन्होंने आपके बारे में पूछा ना ही संध्या के, इन्हें तो बस पतीला चाहिए। दे दिया ना, अब तुम जाके अंदर पूजा करो। जाओ जाओ ना। क्या हुआ रे? पतीला वही पुराना बहाना, थकेला। क्या किस्मत पाई है, बेडरूम में घर वाली, किचन में काम वाली। रोमांटिक फिल्म है, मैं इनके साथ कई बार फिल्म देखने गई, मगर आज तक पूरी फिल्म नहीं देख पाई। चमेली ढाक लो पल्लू से। सरासा ही तो खुला था। कुछ बोल रहे थे? हाँ, यहाँ क्यों आए? पतीला चाहिए था। इसलिए? दूध गर्म करना है। पर क्यों गर्म करना है? मसाला चाय पीऊंगा। तुम्हें पतीला मैं क्यों दूं? भांडा फोड़ूं। अब तुम्हें इस घर में वॉचमैन बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे करंट अफेयर की बुक अंदर खोल दूंगा। संध्या कहाँ है? अति सुंदर। तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे ऊपर वाला कमरा परमानेंटली किराए पर लिया है। तुमने मुझे रॉन्ग नंबर दिया, मैं रॉन्ग घर में पहुंच गया। अब राइट प्लेस पे आया हूँ। देखो जो भी हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है। गलती मेरी थी। I'm sorry. I love you. हाँ? क्या? I love you. देखो जब कोई सॉरी बोलता है तो इट्स ओके या ऑल राइट कहते हैं, और तुम आई लव यू क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। Everything I do it for you. जीजा जी, क्या हुआ? आपने उसे कमरा किराए पर क्यों दिया? अरे मैंने कहा दिया, कल एक औरत आई थी। हमें रेंट पर घर चाहिए। कितने लोग हो? बस हम दो और हमारे दो। अब तुम ही बताओ किस एंगल से उसका बेटा लगता है? मुझे नहीं पता, पर आप उसे निकालिए। अब उसे नहीं निकाल सकता, एडवांस का दिया हुआ अकाउंट पे ही चेक। मैं जुए में हार गया। ये मेरे पिछले महीने का पाप होगा। कितने लोग हैं? 4। कहाँ से आए हैं? मदनपुरा। किस काम से? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? बिजनेस मतलब बिजनेस। यार इतने बड़े शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? और यहाँ का पानी भी अच्छा नहीं है। ढूंढना पड़ेगा, उबला हुआ पानी पी के ढूंढेंगे। ए, संध्या आ रही है। एक्सक्यूज मी। ओहो, धूप में कलर छूटने लगा है बेबी। हाय मिनिएचर, कहाँ जा रहे हो? कंप्यूटर मैकेनिक ढूंढने अंकल। आंटी का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाना। अरे बाप रे, गाल लाल लाल हो गए। क्या कह रहे थे? कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है अंकल। ओ अच्छा, मैकेनिक बुलाने जा रहे हो? कंप्यूटर बनाने वाले मैकेनिक नहीं होते, इंजीनियर होते हैं। ना अंग्रेजी नहीं आती? चलो मैं सिखा दूं। तुम्हारा चेहरा ताले की तरह क्यों लटका है? इसमें इतना डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं। मैं जाकर उसका अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। ओके बाय। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। ए, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? बात ये है कि हमको टाइम ने पास नहीं किया ना, इसलिए हम टाइम को पास कर रहे हैं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ये कहावत तुम्हारे लिए ही है। ऐसे खाली बैठे बैठे तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं भाभी जी, जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम बॉडी बना रहे हैं और हम कसरत करके पसीना बहा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? ये काम नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर है। अच्छा, मुझे लगा टीवी है। जीजा जी, वो मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहा है और हमसे कुछ बोल भी नहीं रहे। देख देख के मेरी आंखें पथरा गई है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? बहुत कुछ करता था, मगर इसके आने से पहले। ओह गॉड। संध्या, योर सिस्टम इज रेडी। MS in computer science, gold medalist from university, okay? Every jobless is not necessarily hopeless. Take care. भाभी, भूख से दुबला पतला होता जा रहा हूँ। अभी लाई। पेट में चूहों की रेस शुरू हो गई है। हाँ तो किसी पर पैसा लगा दो। खाना खाते वक्त तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है फक्कड़। भाभी कहाँ है? चिकन में किचन बना रही है। बेरोजगार को आज MSc काम आ गई। नमस्ते भाभी। अरे संध्या, तुम पता है मैं तुम्हें अपने हाथ की डिश खिलाने के लिए बुलाने ही वाली थी। क्या खाओगी तुम? कबाब? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। बैठो यहाँ, 2 मिनट में बनाती हूँ। तो संध्या, तुम यहाँ रहोगी ना कुछ दिन? नहीं भाभी, कॉलेज शुरू होते ही मैं चली जाऊंगी। ओह, तो तुम क्या पढ़ रही हो? BCom कर रही हूँ। भाभी, कृष्णा ने MSc कम्प्लीट किया है ना? हाँ बेटा। तो बेरोजगार क्यों बैठा है? कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता? वो जॉब करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं बेटा, उसने रिजाइन कर दिया। ये तुम क्या बोल रहे हो? यस सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है। मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगा सर। मेरी जॉब इसे दे दीजिए सर। इसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं। इस जॉब की जरूरत मुझसे ज्यादा इसे है। नो, ये नहीं हो सकता सर। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा, तो जब उसने जॉब छोड़ी तो आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। इस कलयुग में अपने मुंह का निवाला दूसरों को खिलाने वाले बहुत कम होते हैं। कृष्णा उनमें से एक है। ऐसे बेटे पर तो किसी भी माँ बाप को नाज होगा। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इधर उधर क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? तो क्या कर रही थी? मैं तुम्हारा घर देख रही थी। ज्यादा कमर लचकाओगी तो मुंह लगाना पड़ेगा। मूव। अबाउट टर्न। नाउ इट्स माय टर्न। क्या खुशखबरी सुनाई है? यस बॉस, राजधानी एक्सप्रेस से आज वो बॉम्बे सेंट्रल आने वाली है। तुम जागते हुए बोल रहे हो या सोते हुए? मैं उसे चढ़ते हुए देख रहा हूँ। संभाल के जाना है, लड़कों से बचना है। तुम भी उस ट्रेन में चढ़ जाओ, देखना वो ट्रेन से उतरने ना पाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके बॉस। क्यों रे, जुआ खेल रहे हो? अरे AC ऑन नहीं किया, गर्मी लग रही होगी ना? मुझे लगा AC ऑन है। AC की तैसी, आराम करो। खाते पीते हो, सोते रहते हो, जब देखो तुम लोग जुआ खेलते रहते हो। तो फिर क्या करें? संध्या मुंबई आ रही है राजधानी से। स्टेशन पर उतरते ही उसे यहाँ उठा लाओ। तुम लोगों का हार्ट फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लान फेल नहीं होना चाहिए। जाओ काम पर लग जाओ। सुनो। हाँ भाई, सब आपने अपनी जगह ले लो। ठीक है भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2727 राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि अपने सुरक्षा खुद। May I have your attention? ट्रेन रवि, रवि, कल्पू, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दूंगा, मगर ये बताओ क्या तुम मेरी बहन को छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना? हेलो बाबू, जब तक मैं जिंदा हूँ तू तो क्या, यमराज भी मेरी बहन को नहीं छू सकता, समझा? यमराज भी। वेलकम बहना। ये क्या भैया, इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं? मैंने क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप ही क्या, तुम्हारे आने से हमें लग रहा है जैसे हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। चलो घर चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। देखा, लड़की के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। भागना है तो बस के पीछे भागो, पैसे बचेंगे। अगर तू दुनिया में ना आता तो तेरे माँ बाप का खर्चा बचता। वो तुझसे प्यार करती तो खबर देकर जाती। हाँ, ये एकदम सही बोल रहा है। चुप रहे। क्या वो न्यूज वाली है जो मुझे खबर देती? वो मुझसे टू साइड लव करती है क्योंकि उसने मुझे भैया नहीं कहा। एक दिन सैया जरूर कहेगी। वो वाली लड़की को छोड़, ये वाली लड़की कैसी है? कौन सी वाली रे? वो मैराथन दौड़ रही है वो। मर जाती तो? डंका यादव मेरे पापा हैं। सॉरी, फिर से गलती हो गई। आपके फैमिली मैटर में पड़ गया। आपकी बेटी ने प्यार किया और आपको ये पसंद नहीं। एक बाप के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कोई धन नहीं। अपने जिगर के टुकड़े को संभालिए। थैंक गॉड, एक डॉन से छुटकारा मिला। रेडी रेडीमेड रेडी। आपका सुहाग कहाँ है? आंगन में। आज आपका मौन व्रत है। वेरी गुड, कैरी ऑन भाभी। घर की शांति बनाए रखने के लिए ये व्रत सबसे उत्तम है। रेडीमेड। सविता, दिल करता तेरी आंखों में डूब के लग। तू पानी में कैसे गिर गई? प्यासा तो मैं हूँ। रेडीमेड। अरे कुएं में से क्या निकाल रहे हो? कुछ गिर गया है क्या? मेरी बाल्टी गिर गई है। बाल्टी बोल्टी भी है क्या? देखो, बाल्टी मेरी गिरी है, तेरा क्यों पेट दुख रहा है? चल निकल यहाँ से। संध्या कुएं पे नहीं आई? संध्या सकारी कोई नहीं है। हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत। जल्दी बाहर निकालो नहीं तो पानी में आग लग जाएगी। अरे निकाल रहा हूँ ना, कितनी मोटी हो गई हो, क्या जरूरत है इतना खाने की। अरे बाप रे, रस्सी टूट ना जाए। अकेले खींच पाओगे? नहीं, मसल्स बाद में दिखाना, पहले रस्सी तो खींच। साड़ी में मेंढक घुस गया है। बहुत भारी है। खींच खींच, जोर से खींच। अरे मुझे नहीं, रस्सी को खींच। मैं खींच पाता तो तुझे क्यों बुलाता? चल खींच खींच, गेंडे की बेटी है, खींच। मैं तेरी आंखों में डूबने वाला था, तू खुद डूब गई। चलो ऊपर। पानी में गिरने के बाद कितनी हेवी हो गई हो तुम। ये नाश्ते की जगह लंच जो करती है। चलो अच्छा है, नहा भी लिया। कोपचे में आना, कुछ पूछना है। जाके कपड़े बदलना। यार तूने मुझे बिना बताए संध्या को कहाँ भेजा है? अरे हाथ ना, तुझे क्यों बताऊं? तो मैं बताता हूँ, पिक्चर देख। इमरान हाशमी कब बनोगे रेडी? इमरान हाशमी क्या? इसे मेल पर अपलोड करके तेरे साले साहब को भी भेजने की सोच रहा हूँ। मेरा MMS बनाने की क्या जरूरत थी, मैं को नेता हूँ? ये सब तो दुनिया को दिखाएगा पापी, तू चाहता क्या है? तो मुझे संध्या के पास ले चल। संध्या कोई बाबा है जो तुम्हें उसके पास ले चलो? वो झाड़ फूक करेगी तुम्हारा, उसका भाई मेरा साला तुम्हारी जान ले लेगा। नहीं बताएगा तो मैं भांडा फोड़ दूंगा। ऑटो का किराया दे दो। हाँ दे दो। मैं दे दूं? हाँ। संध्या का घर तो कितना जानदार है ना? वक्त और हालात की बात है, तो तुम्हारे लिए जानदार है, मेरे लिए जानलेवा है। बिल दे और चल। बाय लागू बड़े साली जी। आओ रेडीमेड। इस महीने का खर्चा तो भेज दिया था, फिर कैसे आ गए? मुसीबत भी तो अचानक बिना बताए आती है। आएगी क्यों नहीं, तुम हरकतों से बाज नहीं आते। बाज आने से पर्दा फाश हो जाएगा। रेडीमेड, तुम दिखने में तो विलन लगते हो, ये कॉमेडी कब से करने लगे? साले जी जब से मुसीबत आई है मैं ठीक से उठ बैठ और लेट भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इंजेक्शन लगवा रखा है क्या? ये बीमारी इंजेक्शन वाली नहीं है, बंगाली बाबा के पास ताबीज लेनी होगी। ये तुम्हारे साथ कौन है? कृष्णा मेरे सर पे रहता है, मेरा मतलब ऊपर वाले घर में। नमस्ते सर। नमस्ते। चालाकी में कौवा, होशियारी में लोमड़ी है। अमेरिका से MBA करने की तैयारी कर रहा है। मैं इसके साथ इसलिए आया कि मुंबई में कहीं खो ना जाए, सीधा लड़का है। ओके, वो रूम तुम्हारे लिए। जी सर। अरे पूछना संध्या का है। क्या हुआ? वो इंजेक्शन वाले जगह पे इसका हाथ टच हो गया। तो इतना चिल्लाते हैं इडियट, जाओ बर्फ से सेक लो। बाप रे, बच गया। क्या रे, संध्या से मिलेगा? अब अगर संध्या का 100 भी बोला ना तो मैं तेरी सुसु निकाल दूंगा। मत मार। क्यों? तेरी पैंट सरक जाएगी। पैंट और बेल्ट दोनों मेरी है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा, खुद को मार के। संध्या को देखने से पहले तू अंधा क्यों नहीं हो गया? गंदा है तू। मुझे रोकने की बजाय तू खिड़की से बाहर जाके क्या देख रहा है? संध्या हो गई मगर संध्या नहीं दिखी। संध्या संध्या सकारी तुम्हारी रात। मेरा माल आने से पहले इसकी खाल ना निकल जाए। हर वक्त मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो? भाई का ऑर्डर है दीदी। इसके ख्याल ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। कपड़े बदलने दो, चलो यहाँ से जाओ। बड़ी जल्दी चला तू, भूत तो नहीं था? हेलो, मैं भूत ना प्रेत, I myself। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए यहाँ तो क्या, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने दिल की बात बता दो, मैं चला जाऊँगा। कौन सी बात? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मुझे बिना बताए तुम क्यों चली गई? क्यों बताऊँ तुम्हें? नहीं बताओगी मतलब तुम जानती हो। चुप रहो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे बात करते हुए देख लिया ना तो तुम्हें मार डालेंगे। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मजनू मेरे खालू जान लगते हैं। विदाउट जवाब नोइंग, आई एम नॉट मूविंग। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मैं नहीं जाऊँगा। तुम इस तरह से मेरी आंखों में क्या झांक रही हो? जल्दी से ये नैन मटक्का हटा लो वरना पावर वाला चश्मा लग जाएगा तेरे को। आ गया हड्डी के अंदर का गुदा। जीजा जी आप भी यहाँ पर, आप कब आए? बाद में विस्तार से बताऊंगा। अरे साले जी यही आ रहे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें घर दिखा रहा था और तुम इसके रूम में घुस आए। तुम दिशा भटक गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मुझे उल्टी आ रही है, मेरी किस्मत फूट गई थी, तुम्हें यहाँ लाया। पाप पड़ता हूँ, चलो यहाँ से चलोगे ना? हाँ हाँ ठीक है चलो। सुनो संध्या, मैं आया अकेला हूँ लेकिन जाऊंगा दुकेला। जल्दी चल वरना कल तू मिलेगा मरेला। और ये अमेरिका से मंगवाया है, मेड इन इटली। ये मार्बल इटली का है। इटली का नहीं, डुप्लीकेट लगता है। क्या हुआ, थप्पड़ क्यों मारा? इसे तोप से उड़ा देना चाहिए। इस मार्बल को डुप्लीकेट बोलता है, जबकि ये मेड इन इटली का माल है। आप जाइए साली जी। इटली छोड़, मैं तुझे इडली खिलाता हूँ, वो भी बांटूंगा क्या? मैंने बस दिखावे के लिए तुम्हें मारा था। अरे वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, दिखावे के लिए कार तो मार ही सकता हूँ। बोलो ना, नाराज तो नहीं हो? मैं तुम्हारे कपड़े जूते सब साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। कहाँ देख रहे हो तुम? चल अंदर चल, पाप कहीं का। उसका नाम कृष्णा वो इसका आशिक है। आजकल के लड़के पागल हो गए हैं। लेटेस्ट मॉडल वाली लड़की देखी नहीं कि उसे दिल दे बैठते हैं, लेकिन वो बाद में नया मॉडल देख के पछताते हैं। अच्छा बताओ, अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो क्या करना चाहिए? उसे मार देना चाहिए। यही करना चाहिए। देखो ये लड़की हमारी प्रॉपर्टी है और उसे किसी भी कीमत पर यहाँ लाना है, समझे गेंदे? ए रेडीमेड जॉगिंग कर लो, पेट अंदर हो जाएगा। पेट को बाहर ही रहने दो, इतना बड़ा है कौन उठा के लेके जाएगा। तुम हर बात पे कॉमेडी क्यों करते हो? मेरी ट्रेजेडी को आप कॉमेडी बोल रहे हो? ये यहाँ है तो वो कहाँ है? चिल्ला क्यों रहा है? बीमारी, दिल की बीमारी। दिल तो धड़कता है मेरा, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई उसे निचोड़ रहा है। अजीब बीमारी है, लगता है मार्केट में नहीं आई है। बिल्कुल लेटेस्ट है, और यहाँ मच्छर भी बहुत है। कहीं काट लिया तो मलेरिया हो सकता है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। रेडीमेड झोला छाप डॉक्टर को छोड़ो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। एमडी से लेकर आयुर्वेदिक सब आजमा लिया है, बेल ट्रीटमेंट देसी इलाज शुरू किया है, काफी आराम है। बेटा संध्या आई। भैया संध्या को क्यों बुला रहे हो? वो बाद में अकेली खा लेगी। क्यों बाद में क्यों, वो हमारे साथ ही खाएगी। अरे जीजा जी आपकी प्लेट खाली क्यों है, मैं सर्व करूँ क्या? हलवा दूध के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं दूध के साथ हलवा खाऊं या मिर्ची के साथ खाऊं, सबका स्वाद एक ही लगता है। क्या चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना। रेडीमेड खाना हराम हो गया। क्या हुआ बोल? बाहर खाना महंगा है, यहाँ डिस्काउंट में मिलेगा। फ्री में भेजा खाएगा? अरे तूने मेरा खाना हराम कर दिया, जा बाहर जा, कोई लंगर में जाके खा। तुम यहाँ खा रहे हो तो वो बाहर क्यों खाएगा? आखिर तुम इसे इतना डांटते क्यों? डांटूंगा नहीं तो क्या चाटूंगा? ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। मुँह बंद रखो, तुम बैठ जाओ। इधर कहाँ चिपक रहा है? उधर उधर टिका। कोई बात नहीं बैठो। मैं समझ गया था ये काफी भोला भाला है। भोला तो नहीं लेकिन हाँ भाला जैसा जरूर है। तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? मैंने आपको बताया था ना कि वो। तू चुप रहे, तुम बताओ। मैं बहुत पैसा कमा के अपनी घरवाली को ऐसा ही सुंदर घर गिफ्ट देना चाहता हूँ। चुप कर, मुंह बंद कर। बीबी के लिए ऐसा घर बनाएगा? क्या तू मेरे साले जी जैसा अमीर है? पैसा क्या पेड़ पे उगता है? बड़ा आया घर बनाने वाला। अगर ये कुछ बोल रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इडियट? अच्छा मैं अरेंज मैरिज करूंगा या लव मैरिज, आपने पूछा ही नहीं। अच्छा बताओ। एक मिनट रुकिए, अगर ये चुप नहीं हुआ तो बिना खाए चला जाऊंगा। चुपचाप बैठ। कैसे बैठो, ये कुर्सी नहीं, जलता हुआ गरम तवा है, मुझे छाले निकल आए। बैठ जा, इतना इंटरेस्टिंग लड़का है। इंटरेस्टिंग और नहीं तो क्या। मैं दोनों करूंगा, लव करूंगा, शादी करूंगा और उससे पूछ के प्लानिंग करूंगा। तो उसका नाम क्या है? संध्या। संध्या? सच बोल रहे हो? क्या इत्तेफाक है, इसका नाम भी संध्या है। सच में? आप भी संध्या हैं? मेरा नाम भी संध्या है। गुड, बहुत अच्छे। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे याद करना। आपका ही सपोर्ट चाहिए सर, मेरा कौन है? मुझे अपना ही समझो। अरे मुझे लगा था मेरा साला समझदार निकलेगा, लेकिन ये तो चपड़गंजू निकला। पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कर रहे थे? मेरे भाई के सामने मेरा नाम ले रहे थे। यार तुमसे करता हूँ तो नाम किसका पता था? देखो अब बस बहुत हुआ, तुम यहाँ से लुका छुपी बहुत हुई। अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो अपने भाई को मेरे बारे में जरूर बताती। जिस दिन मैंने किस किया मुझे चाटा मारती। खाते वक्त मैंने तुम्हारा नाम बताया, तभी भी तुम चुप रही। तुम मुझसे प्यार करती हो इसका प्रूफ नहीं चाहिए। मैं कोई अदालत नहीं हूँ। तुम जबान से चाहे कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह रही है। सच ये है कि तुम खुद को धोखा दे रही हो। अगर सच्चा प्यार नहीं समझती तो मुझे चले जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्या करने का इरादा है? बोलो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा क्वालिटी बेल्ट है, ताइवान मेड। धारावी है क्या? हाँ साहब 50 पीस दे दो। आप इसे पहनेंगे या बेचेंगे? दोनों ऑप्शन गलत। खुद को पीटना है, बेल्ट ऐसा हो मारू तो दर्द हो लेकिन मजा आए, लगे कि खून बह रहा है लेकिन दिखे भी नहीं। लगता है आपके पीछे कोई भूत प्रेत पड़ा है। क्या जजमेंट है तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा गलत है। वो रहा जिंदा भूत। गुलाबी रंग सुंदर है ना तुम्हारे गाल की तरह। वो दोनों यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और मैं रखवाली कर रहा हूँ। साले जी ने देख लिया तो मैं नहीं दिखूंगा। ये तुम्हें पसंद आई? तुम इतनी सुंदर हो, कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा। अरे तुम कुछ कम हो क्या? बस ये मूंछें निकाल दो तो बहुत ही हैंडसम लगोगे। अबे लड़की क्या देख रहा है? सामने देख के साइकिल चला, चल। बदतमीज। और तारीफ करूं? छिछी क्यों, और मत चढ़ाओ। तुम्हारे मुकाबले आई एम पानी कम चाय। कबूतर, इसके भाई से हम लोगों को कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम खामखा बीच में मारे जाओगे। यस बॉस। इसे खत्म कर दो और लड़की को घर लेते आओ। ओके बॉस। अपनी बहन को कृष्णा के साथ चूड़ी बाजार भेजकर तुम घर पर क्या कर रहे हो? अगर मेरी बहन को किसी ने छुआ भी तो? कुछ नहीं होगा उसे, बस उसके हाथ पीले हो जाएंगे, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। चूड़ी बाजार जाकर कृष्णा की बॉडी वहाँ से उठा लाओ। जानू, हम भाग क्यों रहे हैं? हमारे पीछे गुंडे हैं। अच्छा, मतलब हम उनसे आगे हैं। संध्या, 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 संध्या। छोड़ो से। छोड़ दिया ना, और क्या? रेडीमेड। साली जी, चूड़िया खरीदने आए हो क्या? तुम यहाँ कैसे? चूड़िया खरीदने आया था, कमर की साइज की नहीं मिली इसलिए बेल्ट ले लिया। संध्या कहाँ है? मैं कोई गूगल होगी बताऊंगा। संध्या अपने घर पे होगी, और कहाँ होगी? मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है? रुक क्यों गई? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अलावा शमशान और कब्रें भी देखा करो। जो लड़के अमीर लड़कियों से शादी कर घर जमाई बन के ऐशोआराम की जिंदगी चाहते हैं, उनके लिए घर ही कब्रस्तान बन जाता है, भूलना मत। आदमी चाहे दुनिया में कितना बड़ा महल ही क्यों ना बना ले, आखिर में उसे 6 बाय 3 फीट के गड्ढे में ही रहना पड़ता है। ये बात जितने जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये जो आप बोल रहे हो मैं बचपन में पढ़ के भूल गया हूँ। नए प्रवचन लाइए मार्केट में। आदमी के पावर के हिसाब से कब्र बनती है। कसाब को कहाँ गाड़ा है पता नहीं। और इंदिरा जी की समाधि 60 एकड़ में। ज्ञान झाड़ना छोड़िए, काम क्या है बोलिए। किससे बात कर रहा पता है? बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। चुप, आप बोलिए। या तो पागल हो गए हो या नाटक कर रहे हो। ये तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमने किसके आदमियों पर हाथ उठाया है? नहीं पता। जक्का के आदमियों पर। ये जक्का कौन है? खौफ भी जिसे देखकर डर जाए, जग का उस आतंक का ही दूसरा नाम है। स्मगलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ऐसा कोई धंधा नहीं जो जक्का ना करता। मिनिस्टर्स को अपनी मुट्ठी में रखता है, जेल में वैकेशंस के लिए आता है, आराम फरमाता है और जब भी जी चाहे बाहर आ जाता है। कहानी बिना एडिट के बताइए। सर, ये ब्रिज जक्का ने बनवाया था। आप जक्का को नहीं जानते सर? भले ही मैं जक्का को नहीं जानता, मगर गिरे हुए ब्रिज को जरूर जानता हूँ, इसीलिए मुझे ये केस सौंपा गया है, समझे? मैं जक्का का चक्का जाम कर दूंगा। जक्का बहुत डेंजर आदमी है सर। जक्का मेरे लिए डेंजरस नहीं, मैं उसके लिए डेंजरस हूँ। ये कलर चलेगा डैड? बेटा तुम्हें जो कलर पसंद हो ले लो। ठीक है भैया, पीला कलर देना। इन कार्ड्स को ले जाओ और पोस्ट कर दो, हो जाएगा सर। ये एडवांस हलवाई को दे देना, वो अपनी तैयारी कर लेगा। ठीक है सर, चलता हूं। दिलीप बाबू, मेरी तरफ से डबल नमस्ते। नमस्ते। मैं नीचे आता हूँ। आप लोग बैंड वाले की तरफ से हैं? जक्का की तरफ से। हम लोग जक्का के आदमी हैं। मैं जक्का का चाचा हूँ और जक्का इन सब का चाचा है। जक्का कहे तो कूटते हैं, जक्का कहे पीटते हैं और कभी फ्री में भी धो देते हैं। हमारे पास धुलाई सफाई के लिए वॉशिंग मशीन है, कोई और घर देखिए। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, ब्रिज कई दिन से खड़ा था, इसलिए पक्के गिर गया। अरे आजकल तो शेयर मार्केट कितना ऊंचा चढ़ता है, फिर अचानक से गिर जाता है। उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाता है? शेयर मार्केट गिरता है मगर किसी के ऊपर नहीं गिरता। मेरी बात सुनिए, हमारी फेवर में फटाफट इस कागज पर साइन कर दीजिए। जक्का आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। चाहे जो हो, मैं साइन नहीं करूंगा। तेरा बाप भी करेगा। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। इससे पूछ मैं किस हद तक जा सकता हूँ। ऊपर पहुँचा सकता है। गाड़ी ले ले, चल बंगला भी दिया। अब अगर मेरा भेजा सटकाया ना तो उंगली से भी हाथ धो बैठेगा। सुमड़ी में साइन कर। अगर इतनी ही ताकत है तो कोर्ट में दिखाओ, मेरे घर पर नहीं। डैडी, तेरी बेटी है। चल चल अंदर चल। बेटी, दरवाजा खोलो। तेरा बाप साइन नहीं कर रहा है इसलिए मुझे साइन करना पड़ेगा। दरवाजा मत पीटिए, ढोल पीटिए। साइन कर दीजिए, वो बाहर आ जाएगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं साइन करता हूँ। ये नहीं। साइन हो गए, बाहर आ जाओ। आप उनने भी साइन कर दिया। जल्दी चलो, 97 हो गए। ए दिलीप बाबू, तेरी आंखों में डर देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। यही डर मैं सबकी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। तो तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो काम पर गया था सर। तो तुम यहाँ कैसे आए? घर पर गया तो घर वाले ने मुझे बताया और मैं देखने चला आया। दिलीप बाबू, खुद को संभालिए। मेरी बेटी को देखो क्या भगवान ने मेरी ईमानदारी की मुझे यह सजा दी है कि मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया। चुप हो जाइए, अब वो रोएगा जिसने भी ये किया है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा, सच कहता हूँ। जक्का, उस इंजीनियर के बच्चे ने केस ठोक दिया है। 14 तारीख को कोर्ट में पेशी है। रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया। जमाना हो गया कोर्ट गए, पढ़ा लिखा वकील करना। कोई टेंशन नहीं, आपने सब बातें मुझे सच बताई। मैं कोर्ट में जाकर झूठ बोल दूंगा। झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं। तो इसके मुताबिक आपने 1 सितंबर को उस लड़की का रेप किया। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि आप सेम डे सेम तारीख को क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे और 20 लाख हार गए। अगर सट्टेबाजी के केस में अंदर हो गए तो ये नहीं चलेगा। तो साबित कर देंगे कि जक्का नामर्द है, रेप नहीं कर सकता। नामर्द साबित किया तो फिर कौन सी लड़की इससे शादी करेगी? अरे मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। वैसे भी लड़की नहीं मिली तो किसी लड़के को ही ढूंढ लेंगे, आजकल तो सब चलता है। वैसे तुम शराब पीते हो? अरे मेरा भतीजा है। तब तो पूछने की जरूरत ही नहीं, क्वार्टर मारो आराम से सो जाओ। इसका नाम है गज्जू, बहुत बड़ा बिल्डर है, दोनों ने मिलकर केस करवाया है। अरे सुनो, कैसे हैं आप दिलीप बाबू? तुम्हारी बेटी नहीं रही लेकिन उसके लिपस्टिक का टेस्ट अब भी होठों पर है। नहीं, नहीं। साथ ही हाथ बढ़ाना अच्छा है। देख तू व्यापारी है, धंधे वंदे के बारे में सोच, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? बिजनेसमैन को धंधा सिखाने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बचाओ फिर बात करेंगे, ठीक है? चलो। क्या आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं? भगवान की कसम, जो ब्रिज जक्का ने बनाया था वो एक महीने में ही गिर गया। मैंने इसकी रिपोर्ट भी बनाई थी, ये भी सच है। ये भी सच है कि मेरी बेटी की अगले महीने ही शादी थी, मगर इसने उसका रेप कर दिया। इस सच्चाई के सिवा कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, अगर ईमानदारी सबूत है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। मेरे मुवक्किल जक्का जिन पर रेप करने का आरोप है वो पहली तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट। अभियुक्त बाबूलाल यादव जी उस दिन अप्सरा बार में डांस कर रहे थे। ये रहा होटल का बिल। हाँ। सर वो ऐसे बैठ रहा है जैसे सुबह सुबह कमोड पर बैठते हैं। बट ही इज ए क्रिमिनल, और उसका ये भतीजा रेपिस्ट और हत्यारा है। और ऐसे झूठे सबूत चंद रुपयों में हासिल किए जाते हैं। योर ऑनर, लोग सिर्फ डॉक्टर और वकील से ही सच बोलते हैं, और मैंने उनकी ईमानदारी से बोली गई सच्चाई की बेईमानी से सीडी बना दी। आपको रेप करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? इसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके किया था। क्या वो अभी जिंदा है? वो जिंदा रहती मगर इसने मार दिया। योर ऑनर, न्याय पाने के लिए मेरे दोस्त गज्जू ने मुझसे गुजारिश की थी ताकि लोगों का कानून पर से भरोसा ना उठे। मैंने सिर्फ दोस्ती के लिए ही कानून का साथ नहीं दिया, मुझे सच्चाई का साथ देने का गर्व है। अपराधी जक्का को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरी कोर्ट से यही अपील है। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर कोर्ट जक्का को अपराधी मानती है और उसे रेप और मर्डर के केस में 6 साल की कड़ी सजा सुनाती है। भतीजे, अरे चाचू आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं बड़े आराम से हूँ। शहर में बिजली जाती होगी लेकिन यहाँ नहीं, 2400 घंटे बिजली। नहाने के लिए गरम गरम पानी, नाश्ते में 2 अंडा और 2 लीटर दूध मलाई मार के। दिन भर फैशन टीवी, क्रिकेट और न्यूज देख के आराम से कट रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाचू, ये जेल है, कोई 5 स्टार रिसोर्ट नहीं। बदले की आग में पेट्रोल पड़ चुका है, जिनकी वजह से आज मैं जेल में हूँ, उन्हें जिंदगी की जेल से भेज दूंगा। बाहर आते ही खत्म कर देंगे। तुम्हें 6 साल की सजा हुई है, अच्छे काम करोगे तो 2 साल और कम हो जाएंगे। होली, दिवाली, दशहरा, इन सब छुट्टियों को मिलाकर 1 साल और कम हो जाएगा। बच्चे सिर्फ 3 साल। 3 साल तो आराम से कट जाएंगे भतीजे। 3 साल तक मैं रुक नहीं सकता, आज इसी वक्त उसे मारना चाहता हूँ मैं। जक्का जी, हमने आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने का इंतजाम कर दिया है, आपके पास आधा घंटा है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता न चले। हाँ दिलीप बाबू, अच्छा तो अखबार पढ़ रहे हो, लेकिन अफसोस कल तुम अपने बारे में नहीं पढ़ पाओगे। अरे काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ दिलीप बाबू, तुम्हारे दिलीप की लिप तो बंद हो और रिकॉर्ड के हिसाब से इस वक्त मैं जेल में हूँ, लेकिन बदले के हिसाब से तेरे दोस्त के घर मेरा कॉल वापस आएगा। फड़फड़ा ले। नहीं, ए, ए। मुझे छोड़ दो जक्का, प्लीज जक्का, मुझे माफ कर दो। भीख मांगने आया हूँ जो माफ कर दो। ये दिलीप बाबू, दिलीप बाबू, जक्का मैं हूँ। तुम कहाँ हो? क्या हुआ? मुझे गोली लगी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब वो तुम्हारे घर गया। हेलो संध्या। जक्का तेरा अकाउंट क्लोज करने आया था, कहाँ है तू? चल कोई बात नहीं, तेरी बहन तो है। ए, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टेंशन मत ले, तेरी बहन को सिर्फ रेप करके छोड़ दूंगा ताकि तू अपनी करनी पर पछता सके। उसने पानी में डुबकी तो लगाई, पर कहाँ डुबकी लगाई दिख नहीं रही है। क्या अभी कोई घर पर आया था? नहीं तो अब तक तो कोई नहीं आया। कोई आने वाला था क्या? नहीं, कुछ नहीं। आज से बिना मुझसे पूछे कहीं मत जाना। क्यों? जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। हेलो, तेरी बहन में तो मिस वर्ल्ड वाली खूबियां हैं। hey! hey! ये पहली लड़की है जिसे देखकर रेप करने का दिल नहीं कर रहा, बल्कि शादी करके घर बसाने का दिल कर रहा है। उससे शादी करके तेरी बहन छीन लूंगा और मेरा बदला भी चुकता हो जाएगा। अगर तूने उसके लिए कहीं दूल्हा देखा है तो वो दूल्हा नहीं दिखेगा, छू मंतर। ये सारी बातें मैंने अपने बहन को नहीं बताई और धीरे धीरे मैं खुद क्रिमिनल बन गया। रिवर्स गियर में जाने से एक बात पता चली, तुम बहन की वजह से जक्का से डरते हो। एक काम करो, बहन मुझे दो, बाकी भूल जाओ। तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं उसे बचाने के लिए। तुम्हारी बहन कश्मीर बॉर्डर है, जो हथियार चाहिए। हे, जबान संभाल अपनी, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, लड़ने के लिए नहीं आए हो। एक बहाना था। संध्या सिर्फ तुम्हारी अमानत नहीं है, मेरी भी कुछ लगती है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बहन और शहर को छोड़ के चले जाओ। शहर छोड़ सकता हूँ, संध्या को नहीं। क्या बहन की शादी नहीं करनी? करनी है ना, जीजा सामने खड़ा है। मैं उसकी शादी तुम्हारे जैसे निकम्मे से कर दूँ? तुम्हारी बहन को मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। निकम्मा हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ। तुम रिश्ते की बात तो छेड़ो, मैं मना नहीं करूँगा। मैं तुझे ठोक दो, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये छोड़ रहे मुझे? जाओ 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 जाओ, तब पता चलेगा जब जक्का मारेगा धक्का। अगर मैं संध्या को भगा कर ले जाऊंगा तो हंगामा होगा पक्का। कंफ्यूजन। जक्का मेरे होने वाले साले को परेशान कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी जक्का की जिंदगी में भूचाल लाऊं। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अगर मेरा भतीजा पूछेगा ये चोट कैसे लगी तो बोल देंगे कि हमारी धुलाई हुई है। बहुत अच्छा। सच बोलोगे तो तुम लोग और पिटोगे, मगर झूठ बोलना तो पाप है। अरे धर्मराज, तू इस जमाने में कैसे पैदा हो गया? अगर हो भी गया तो इस लाइन में कैसे आ गया? तू अपना मुंह बंद ही रखना, सब बुझ पे छोड़ दे। चल ठीक है भाई। अरे भतीजे, खुशखबरी लाया हो, कल तुम रिहा हो जाओगे। पता है मुझे इन सब का ज्योग्राफिया कैसे पता? हम लोग सब चूड़ी बाजार गए थे और मेरी जबान तो काट देनी चाहिए। अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो हम चूड़ी बाजार जा रहे थे, अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। सब के सब नीचे गिर गए और मामूली सी चोट लग गई। तुम सोच रहे हो कि एक गाड़ी से इतने लोगों को चोट कैसे लगी? अरे बम फटता है तो कितने लोग जख्मी होते हैं। वैसे ही यकीन नहीं हो रहा, इसीलिए पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चूड़ी बाजार गए थे संध्या के लिए चूड़ी लाने और खुद चूड़ी पहन कर आ गए। एक लड़के ने तुम सबको धोया। बिल्कुल गलत, हमारी धुलाई कौन कर सकता है? कृष्णा, कृष्णा। अरे भतीजे, इसी ने तो हमारा एक्सीडेंट करवाया था। जानता हूँ, इसने हमें मारा, तुम इसे ही सपोर्ट कर रहे हो। इसे मार देना चाहिए। क्यों क्यों मार देना चाहिए? ये संध्या का प्रेमी है। मैंने जक्का जी को सब कुछ बता दिया है। जब से उसके चक्कर में पड़ा हूँ, मेरी फैमिली को चक्कर पे चक्कर आ रहा है सर। मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। उसका भाई मुझे मार देगा, मैंने आपको बताया था ना। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोनों में से किसी का तो काम बने। जहाँ मैं फेल हुआ वहाँ जक्का साहब पास होंगे। जब जक्का जी आग के फेरे लेंगे, मेरे बदले की आग पूरी होगी। जक्का सर, आप मेरे अरमान पूरे करेंगे ना? हाँ करूँगा। अब जा। मैं कहाँ जाऊँगा? सिंगल के और गज्जू ने सिग्नल पर मार डाला तो अब मैं तो इनके साथ जाऊँगा। क्या कहाँ रहोगे बेटा? मेरे सर पर। जक्का सर, बस चल। बॉस, कृष्णा ने हम सबकी तबीयत से धुलाई की, फिर भी जक्का जी ने उसे हमारे साथ क्यों चिपका दिया? जो संध्या की तारीफ करता है और गज्जू से नफरत करता है, जक्का उसे बहुत मानता है। मगर कृष्णा यहाँ क्या करने आया है? उसका क्या मकसद हो सकता है? ए, उसे बुला कर लाओ। सर, बुलाया मुझे? आओ, दो पैक पीते हैं। नहीं सर, पीने के बाद मैं बहुत बोलता हूँ। अरे पीने के बाद सभी बोलते हैं। आओ लो, एक पैक। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा है। एक ढक्कन चलेगा? अबे ढक्कन, हाँ, उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, अभी पता चल जाएगा। दीजिए। क्या हुआ? ऐसे गॉडज़िला जैसे क्यों गुर्रा रहा है? बॉस, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे गुर्राने वाले पियक्कड़ जानवर से डर लगता है। तो बात शुरू करें। जल्दी भी क्या है? क्या कह रहे थे? अरे नहीं, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे इरादे और मकसद को भूल जाओ। तुम इतने ऐशो आराम से जीते और पीते हो, इतना पैसा कमाते हो या छापते हो? नहीं नहीं, तू बता। सेटलमेंट का बिजनेस है। सेटलमेंट का? यहाँ जाओ। आना रे। रिपीट। सेटलमेंट। सिट डाउन, बैठ जा। सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट बहुत आसान है। पहले हम जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, उसके बाद पैसा लेके सेटलमेंट करते हैं। लगी क्या? साले ब्लैक मनी कमाते हो, ऊपर से शराब पीते हो और मुझे भी पिलाते हो। और पिलाओगे और पिलाओगे पिलाओगे और पिलाओगे। चाचा बुलाया क्या? मेरा प्लान और मकसद नहीं जानना है तुमको। खा पी कर वजन बढ़ गया, थोड़ा हल्का होने जा रहा हूँ। लेकिन प्लान तो सुनो ना। सुबह सुन लेंगे। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। तुम लोगों को सोने जाना था तो मुझे शराब क्यों पिलाई? ऋषि तो पिलाई थी, बस एक ही ढक्कन। गले में उतरी वो कम थी मगर सर पर ज्यादा चढ़ गई। एक बात बता चाचा, जहाँ भी जाता है हमेशा 10-12 गाड़ियाँ साथ लेकर जाता है, अकेले नहीं जा सकता? नहीं बेटा। कहाँ था मैं? तुम हमारी गाड़ियों पर थे। तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि जब तुम गाड़ी रोकते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियाँ खटाखट रुक जाती है, उसके पीछे 100 गाड़ियाँ और रुक जाती है। उस वजह से पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम होती है, सोचा है? बॉस को छोड़ दो ना भाई। इन्हें छोड़ दूं तो क्या तुझे छोटा बोला नहीं करता? चाचा जान, मैं सोने जा रहा था तो मुझे उठा दिया। अब मेरा प्लान बिना सुने सोने जा रहे हो? इतना तेज बात बोलो, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जाओ सो जाओ। प्लान सुनाए बगैर मैं नहीं सोऊंगा। नीचे उतरो ना। मैं इतना नीचे उतरूंगा तो मेरी सांस चढ़ जाएगी। सांस चढ़ जाएगी? दिन में तो चिल्लाते हो, संध्या को यहाँ लेकर आओ, कृष्णा को मार डालो, तब कुछ नहीं होता? बेटा रात गई बात गई। अच्छा तो मेरी प्लानिंग कौन सुनेगा? कौन सी प्लानिंग? मुझे नींद आ रही है और तुम प्लान 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 कर रहे हो। ये कोई टाइम है सुनने का? तुम्हारा पारा चढ़ गया है, मुझे एक और ढक्कन पीना चाहिए। दूसरे ढक्कन में तो हम ढक्कन हो जाएंगे। एक गुंडे से डर के मैं अपनी बहन को ही घर में कैद करके रखूं? टारगेट आपकी बहन है सर, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचिए। अगर आप संध्या जी को अमेरिका भेज देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, इसलिए जग्गा के जेल से छूटने से पहले आप संध्या जी को रवाना कर दीजिए। साले जी, मेरी बस का टाइम हो गया है, आप कहते मैं जाऊं? जल्दी जाओ। अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आया और मेरे सर पे डाल के जा रहा है। साले जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं उसे लेकर नहीं आया, वो मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने उसे बहुत मना किया कि मैं तुझे वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ऐसा ब्लैकमेल आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे साले जी। चुपचाप बैग रखो। मैं संध्या को इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ, जब तक वो इंडिया में है मेरी इजाजत के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्यूज उड़ गया। अब से आप संध्या को अब्रोड तो क्या, रोड पे भी नहीं ले जा सकते। कृष्णा उसे उड़ा ले जाएगा, वो भी बिना पंख के। चलो आइए। क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। अगर संध्या ने देख लिया तो फौरन शादी कर लेगी। लेकिन मुझे देखने के लिए संध्या यहाँ नहीं है। मतलब? अभी 5 मिनट पहले गज्जू उसे अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए सीधा एयरपोर्ट ले गया है। हमें बाहर पता नहीं चला, तुमने जेल में पता लगा लिया? उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता। रजिस्टर ला, इधर दे, साइन कर। सर ये कृष्णा ने भेजा है, बधाई के साथ आपके बाहर आने की खुशी में। एकदम चिपकू है, जब से आया सबके दिमाग का दही बनाकर रख दिया है। बस हम दोनों को छोड़ के। गज्जू से दुश्मनी के चक्कर में तुमने उसे हमारे सर पर बिठा दिया है। एक ढक्कन शराब पीने के बाद उसने जो हंगामा किया है वैसा तो कभी पार्लियामेंट में भी नहीं होता। उसे निकाल क्यों नहीं देते? अगर तूने दोबारा ऐसा कहा तो तुझे जरूर निकालूंगा। चक्का सर आप आ गए, आप छा गए। मैंने ताबीज भेजी थी, मिल गई? हाँ मिल गई। अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद। आपको जक्का सर के बाहर आने की और मेरी ख्वाहिश पूरी होने की मेरी एक्साइटमेंट ओवर एक्टिंग लगती है। सुना जक्का सर, तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, वो भी आज ही। चल संध्या को लेकर आते हैं। जक्का सर आपने शादी की प्लानिंग कर ली, बैंड बाजा बुक नहीं हुआ, घोड़े वाले को नहीं बुलाया। कैसी प्लानिंग? वो क्या है कि टेंट, शामियाना, जनरेटर, अभी तक कुछ भी बुक नहीं हुआ। टेंशन नहीं, पेंशन दूंगा। ओके ओके। एयरपोर्ट पर हमारे आदमी फैले हुए हैं, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह। साले साहब मुझसे डर गए क्या? बहनोई को बिना बताए अपनी बहन को अमेरिका भेज रहे हो, वादा भूल गए क्या? अगर भूल गए हो तो याद दिलाओ। चक्का सर इसके मुंह क्या लगना, दुल्हन को उठाइए और चलिए। कल तक तो तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हुए थे, और आज इसके पीछे पड़े हो। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देखा जक्का सर, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। कंधे पे हाथ तो रखिए। सर का हाथ तो डरने की नहीं बात। कृष्णा भाई। क्या रे? मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो आपके बगल में खड़ा है, एक नंबर का मक्कार है। पता नहीं कब किसका एमएमएस बना दे। ये चुप रहे। जक्का सर, संध्या का हाथ पकड़िए, लाइए उसे। जक्का, मैं कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बहन को। मैं कहता हूँ ये क्या, आप मेरे साथ क्यों बैठे? पीछे जाइए ना, जाइए। सुपर! मैंने आपको पहले ही बोला था, वो एक नंबर का मक्कार है। ऊपर वाले के दया से नया एमएमएस तो बना। लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया है। दर्द कर रहे हैं। चलो चलो इस शॉर्टकट से चलते हैं। जा जा जा। नहीं नहीं रोक। चल अंदर सांप और मगरमच्छ हुए तो। बॉस मुझे जुकाम है, मैं 10 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। मैंने कहा था ना तैरना सीख लो। वो भाग गए ना, जाने दो उन्हें। उसकी कमजोरी उसकी फैमिली है जिन्हें मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। वो बिन बुलाए आ जाएगा। तुम जाओ मजे करो। हेलो बड़े भैया, आप कहाँ हैं? लैंडलाइन पे फोन किया है, कोई बैंकॉक में नहीं हूँ मैं। जल्दी सुनो, बैलेंस कम है, वो घर खाली कर दो और फटाफट पुराने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। हम लोग रास्ते में हैं, हम आते हैं, तब तक शिफ्टिंग कर लो। क्या शिफ्ट कर दूं? क्या मैं पैकर्स और मूवर्स वाला हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता। आपके भाई कृष्णा ने संध्या का किडनैप कर लिया है, समझे? थोड़ी कार रेसिंग का भी गेम हुआ है। अगर आप जल्दी शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो आपको किडनैप कर लेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मुझे किडनैप क्यों करेंगे। शायद वो आइटम डांस देखना चाहते हो। और सुनो, रेडीमेड की वाइफ को बोल दीजिए वो अपनी माँ के घर चली जाए और मोबाइल साइलेंट कर दे। तो वो भी इन्वॉल्व है क्या? अरे वो नहीं, उसके साथ हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है। और सुनो, बैलेंस के साथ बैटरी भी खत्म हो गई है, फोन बंद हो जाएगा। इतना ट्रांसफर तो पुलिस वाले का भी नहीं होता। पैकिंग हो गई। तो तुम्हें भी पता चल गया? जब तुम टेंशन की बात कर रहे थे तभी समझ गई थी। जरूर कृष्णा ने कोई अच्छा काम किया होगा। प्लीज अब उसकी तारीफ बंद करो। ठीक है, अब चलें कि नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं पापा? जहन्नम में। आप अकेले जाइए, मैं नहीं आऊँगा। अरे मैं तो अपने बुक घर पर ही भूल आया। मेरी भूख मर गई और तुझे बुक की पड़ी है। अब पीछे मत देखना, चुपचाप चलते रहो। चलो चलो चलो। हेलो भैया। मैं? और नहीं तो क्या, इधर आ। गया काम से। जी सर। ये बता, एमआरओ शेखर का घर कहाँ है? बस सीधा जाइए, जैसे ही लेफ्ट लेंगे राइट वाली बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है जा। अरे तू चल। अरे चप्पल गज्जू, इधर आ। तुम उसे जानते हो क्या? मैं तो जानता हूँ और आप भी पहचान जाएंगे। मैं कैसे पहचानूंगा? अगर उसने कह दिया कि मैं शेखर नहीं हूँ तो मैं उसका क्या कर लूंगा? चल तू मेरे साथ चल। नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है, इज्जतदार आदमी है। क्या इज्जतदार है, एक नंबर का कमीना है वो। उसका भाई लड़की के साथ भाग गया, इसीलिए तो हम लोग उसे शहर से ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। अगर ये शेखर का पिल्ला मिल गया तो उसका अचार बनाकर बोतल में बंद कर देंगे। उसके भागने की सजा उसके भाई को क्यों? भागा वो है, मगर मैं जागा हूँ लल्लू। उसके भाई का तेल निकालूंगा तो वो भागता हुआ आएगा। चल गाड़ी में बैठ, हमारी बस का टाइम हो गया है। ए जी जल्दी चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। चलो। अरे ये तुम्हारी बीवी कितना तेज बोलती है, इसे छोड़ दो, दूसरी दिलवा दो। एक रिक्वेस्ट है सर। बताओ। एक के ही लाली पाउडर का खर्चा नहीं निकाल पाता, दूसरी कहाँ रखूंगा सर? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। चल निकल ले। चल तू गाड़ी निकाल। क्या हुआ? जिसे ढूंढने जा रहे उसका एक फोटो तो साथ में रखते ना सर। मैंने तुमसे एड्रेस पूछा था, सलाह नहीं। अगर फोटो होता तो खुद ना ढूंढता। चल निकल। बच गया। बॉस लगता है यहाँ कोई है नहीं। ऐसा करो ताला तोड़ दो, घर का कोना कोना छान मारो, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जाओ। बॉस घर में एक भी फोटो नहीं है। बॉस मुझे लगता है कि जिसने हमें यहाँ का पता बताया था वही शेखर है। कैसा लगा? मैं क्या उल्लू हूँ जो दिन में नहीं दिखाई देता? आदमी को देखकर एक सेकंड में पहचान लेता हूँ। पुलिस भी मेरी मदद लेती है लल्लू। बॉस क्या हुआ? जरा ऊपर तो देखिए। पहली बार किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये 121वीं बार है। मुंह बंद कर वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा उल्लू के पट्टे। अगर जक्का सर को पता लगा तो हम गए काम से। हम बताएंगे तब ना, मुंह बंद रखना। क्या हुआ, मिल गया वो लोग? घर तो मिल गया लेकिन वो नहीं मिले, लगता है भाग गए हैं। मुझे लग रहा है उसकी फैमिली बहुत चालू है, हम लोगों को दिन में ही मुर्गा बना दिया। अब क्या करें भतीजे? जहर खा के मर जाओ। क्या कहा बॉस ने? सुनोगे तो कान पक जाएंगे। इतना बड़ा हो गया अभी भी तमीज नहीं आई बात करने की। मुझे घेर के क्यों खड़े हो, बैटिंग करो। ए, तेरी बहन को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नापाक काम ही क्यों ना करना पड़े। अब जग्गा के तांडव को देखकर तेरा रोम रोम कांप उठेगा। जग्गा जी इसका क्या करें? हाँ ये वही है ना जो बहुत सीटी बजाता है। फुटबॉल में पहले रेफरी था क्या? क्यों रे, चलना बजाना सिटी। शर्मा रहा है हाँ? मुझे क्या पता था आप इतना सीरियसली लोगे। सीरियसली नहीं लूंगा, वो संध्या को भगा ले गया और ये बात मैं मजाक में लूं? चलना बजाना, सिर्फ एक बार बजाना प्लीज। बिना प्रेशर की सिटी कैसे बजेगी? बिना प्रेशर वाली सिटी बजा, ट्राई कर। नहीं बज रही सर। सिटी बजा कहा ना सर। सीटी सुनने का इतना ही शौक है तो आप नाश्ते में राजमा चावल खाइए, हर 10 मिनट में सीटी सुनाई देगी। सर मुझे ऐसे मत देखिए, चश्मा लग जाएगा। ए, जब तक इसकी सांस में सांस है इसकी सीटी बजाते रहना। हे शाणे, मुझे बाहर तक आवाज आनी चाहिए। सीटी सुनने वाले क्या जाने बजाने वाले का दर्द। सिम सिम। इसका उद्घाटन कर। सुबह कम पिया करो, एक ढक्कन पीना, ज्यादा नहीं। ये दवाई नहीं जो एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को पिया जाए। अगर कोई पिलाने वाला मिल जाए तो कभी भी पिया जा सकता है। अब जा भाई दाला। मेरी 4 बार इंसल्ट हो गई, अब आपकी बारी। रामू, ताज़ा देसी अंडा देना। पहले ताज़ा देसी नोट निकालो, खाते में लिख लेना। खाते में लिख लिख कर 3 डायरी भर गई। जमा कब करोगे? बैंक से लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट तू भी दे दे। मैं नहीं दूंगा। क्या? जब मुर्गी फ्री में अंडा देती है तो तू कौन होता है पैसे लेने वाला? गाय भी फ्री में दूध देती है तो क्या तू मुझे एक अंडा नहीं दे सकता है? अंडे की जगह डंडा खाएगा तो चलेगा? अंडा नहीं मिला कोई बात नहीं, बिना चखने ही सही। आज मैं ड्राई डे समझ के ही पी लेता हूँ। चल अरे तंबी, वो टपरी पे चाय बेचने वाला है, यहाँ का नंबर 1 खबरी मैं हूँ। अरे टिंगू, तेरे बस का नहीं है, पतली गली पकड़ और निकल। मैटर बोल झिंगुर। टाइम खोटी मत कर। मुर्गी नहीं पकड़नी है, भागी हुई बेटी पकड़नी है। किसके साथ भागी है? मिल्खा के साथ। एक लड़की जब भागती है तो क्या बाप को बताकर भागती है? ए साहब, एक बार एक लड़की अपने बाप को शेंडी लगा के मेरे साथ भागी थी, बहुत मजा आया था। जितना मुंह उतना ही बोल। टेंशन नॉट, उसे ढूंढ के मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कितना दोगे? पैसे की टेंशन नहीं है। फोटो दो। फोटो नहीं है तो बायोडाटा बताओ। नाम संध्या है, हीरोइन से कम नहीं लगती, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है तभी तो लड़का लेकर भागा है। जबान पर लगाम दो। जबान पर लगाम होता तो बाटली नहीं छोड़ता। ढूंढो, पैसे मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर दे दो। 982 को लिखवाओ। ये लिखवाएगा 98202222। मैं मिसिंग मिस के बारे में मिस कॉल दूंगा, उठाना वरना मिसिंग मिस को मिस करोगे। अब जाओ। आज बेवड़े पर भी भरोसा करना पड़ रहा है। चलो। अरे उस्ताद, समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुंबई से भागकर यहाँ कैसे आए होंगे। अबे घोचू, ये शराब अमेरिका में बनती है, फिर भी बिना पासपोर्ट यहाँ तक आ गई ना। और मुंबई से आने के लिए कौन सा पासपोर्ट और टैक्स लगता है। पूरी मत पी जाना उस्ताद। पी के क्यों भोका? अरे जरा वहाँ देखिए। एंग्री बर्ड्स नहीं लगते, यही होंगे मुंबई से भागे हुए लव बर्ड्स। मिस कॉल मारू क्या? तेरा अंदाजा गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले स्टेटस कंफर्म कर। भाई साहब, नासिक के लिए बस कहाँ से मिलेगी? ये डिपेंड करता है कि तुम आ कहाँ से रहे हो। मुंबई से। अब तो मिस कॉल बनता है उस्ताद। यहाँ से नासिक जाने वाली सारी बसों की सेवाएं ठप है। तो फिर कोई होटल होगा? यहाँ के लोगों को होटल का स्पेलिंग तक नहीं पता। फिर क्या करें? ये गाँव गरीबों की राजधानी है। गाँव गरीब है फिर भी मोबाइल है। इस देश के लोगों को वर्क मिले न मिले, नेटवर्क जरूर मिलता है। पूछताछ बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है की आप लोग हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हाँ सही जवाब। वैसे मेरे एक लव होम है, सच्चे लवर्स के लिए दिल से बनाया है मैंने। रेट ज्यादा होगा ना? बिल्कुल नहीं, भागे हुए लवर्स की मदद करना मेरी हॉबी है। ये लड़की तो मिस इंडिया लगती है, क्या इसका नाम ऐश्वर्या है? नहीं, संध्या है। लॉटरी लगी, अब तो मिस कॉल मारना पड़ेगा। मिस कॉल फोन लगा। कपड़ा पहनिए, सजने संवरने के लिए आईना, बेड फॉर एंजॉय। हमें बस सोना है और सुबह निकलना है। लव बर्ड्स यहाँ सोने के लिए नहीं, जागने के लिए आते हैं। खाओ पियो और खूब ऐश करो, मैं सब इंतजाम करता हूँ। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मगर आपने लवर्स पर इन्वेस्ट क्यों किया बताएंगे? एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं बना सकती, मगर लवर्स मिलके और लवर्स पैदा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हर जगह बस लव ही लव हो, लव ही लव हो। इससे पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्या हुआ? गर्दन में मोच। ग्रेट खली बोल। हम पंडित जी से मिलके आ रहे हैं, 5 तारीख बहुत ही शुभ है। तुम आ जाओगे ना? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, फिलहाल एक चिरकुट के हैं। इतने झटके देकर क्यों पलट रहे हो? मोचीली गर्दन। हम लोग कब जा सकते हैं? कल सुबह। हम कल आ जाएंगे, सारी तैयारियां करके रखना। शादी धूमधाम से होनी चाहिए। अंगार लगा देंगे, आजा। किसकी शादी? हमारी शादी, आप घूम सकते हैं। अरे इस बार आवाज क्यों नहीं आई? ऑयलिंग हो चुकी है। ओहो, हमारी शादी 5 तारीख को दुर्गा मंदिर में है, आप भी आइएगा। जरा बताएंगे उसी मंदिर में शादी क्यों? क्योंकि हम पहली बार उसी मंदिर में मिले थे, इसलिए शादी भी वहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, आप कड़ी लगाइए, मैं बाहर से ताला लगाता हूँ। ताला किस लिए? सेफ्टी के लिए। ओके, ताला लाओ। ताला मैं मारूंगा। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, पीते तो करता। भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। बाद में खाएंगे पैदल, क्योंकि शराब और शबाब जितना पुराना होता है उतना ही सर पे चढ़ता है। उसी तरह इन दोनों को जितनी देर तक यहाँ रखेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जीपीएस की तरह मुझे फॉलो मत कर, जा और वहाँ का माहौल चेक करके आ। अरे दरवाजा लॉक कर दिया, इतना टेंशन मत लो। प्रेमी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है, एक ताला उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। ताला है, ताले में लगा हुआ है सारा। कहाँ? कहाँ है? वहाँ पे। मतलब फिर से पूछो, मैं बताता हूँ। वो कहाँ है? वहाँ पे है? अबे ये कौन है? इनसे मैंने कर्ज लिया है। देखो लड़कियाँ अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती हैं, इसलिए उनको तुम्हारे हवाले करने से पहले तुम मेरा कर्ज उतार दो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डीजे रुक जाओ। अरे अमाउंट तो बताओ। यही कोई 3-4 खोके। तुम्हारे जैसे चिंदी चोर को इतना कैसे दिया? इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, मैंने आईडी से लिया। इसके लिए भी दिमाग लगता है। गज्जू। यस बॉस। फौरन पेमेंट करो। पीके के 2 खोके। पीके कौन है? मैं हूँ। तुम क्या करोगे? तुम तो उन्हें लेकर चले जाओगे। हो सकता है मुझे भूल जाओ, इसलिए दर्शन से पहले दक्षिणा। ठीक है, मैं दे दूंगा। हार्ड कॉपी चाहिए। गंजू। उस्ताद पीके, देखिए आपके पीछे पीछे कितने लोग आ रहे हैं। इस बार चुनाव का टिकट ले लेंगे तो। पैदल चुनाव में खड़ा करके मुझे चूना लगाना चाहते हो? चन्नू की चाची के चमचे को हटाओ। चमचे पीके सर। हार्ड सर कह के मेरा सर मत खा। पॉकेट में है नोट, दिल में है खोट, हाथ में 440 वोल्ट। इस सिचुएशन में तेरा क्या काम? हो उस्ताद भाड़ में जाओ तुम दोनों, पहले उनके पास ले चलो। सही कहा, फॉलो मी। जल्दी आना, पीके के पीने का टाइम हो गया है। छाता तेरा बाप खोलेगा। अरे उस्ताद ये क्या बात हुई? ऊपर छत है ना। छत नहीं, छाता चाहिए। ए, बॉस बुला रहे हैं। गजल सुनाएंगे क्या? सुर में नहीं गाएंगे तो जूते पड़ेंगे। चलो गाइए। जितने नोट छापने हो छाप लो, शादी के बाद आऊंगा तो मिल बांट लेंगे। कहाँ भेजा है उनको? मैंने कहीं नहीं भेजा। शादी कब है? इस महीने की 5 तारीख को दुर्गा मंदिर में उन लोगों ने नासिक जाने वाली बस पकड़ी होगी। तुमने तो कहा था तुम कुछ नहीं जानते। सर ये तो जनरल नॉलेज है। सर मैं आपको एक फ्री में सलाह देता हूँ, अगर वो मुझ जैसे अकलमंद को धोखा दे सकते हैं तो आप किस खेत की बोली है। इसलिए अपने काले मुँह को और काला मत कीजिए, नहीं तो आपका अफ्रीका जैसे देश में भी वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अबे बेवड़े, ये बहुत गुस्से में है, तेरे को जमीन में गाड़ देंगे। बिना मांगे आइडिया मत दिया कर पैदल, नहीं तो सचमुच कर बैठेंगे। इस फूल जैसे इंसान को फूल गोभी की तरह जमीन में गाड़ के कहाँ जा रहे हो? साथ ले लो। कहीं कोई बैल लेकर खेत जोतने आ गया तो। मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मुझे देखना मत। बाप रे, ये तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह यही आ रहा है। नाग देवता, अगर आप मुझे बिना काटे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना लवर कॉटेज आपको बिना 1 रुपया खर्च किए फ्री में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री। ए उस्ताद, स्नेक के साथ स्नेक गेम खेल रहा है और वो भी बिना मोबाइल के। अबे मेरी हालत पे तरस खा और प्लीज साहब को यहाँ से भगा। स्नेक सर 1000 रुपए देता हूँ, इसकी पप्पी ले ले। तुमने ही कहा था अगर जेब में पैसे हो तो कुछ भी किया जा सकता है ना। अबे तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है जो मेरे पे सट्टा खेल रहा है। अपना बेल्ट निकाल, इसे दिखा और यहाँ से भगा। समझ गया, ये बेल्ट से नहीं मेरे गाने से भागेगा। ये नागिन डांस छोड़ और मुझे यहाँ से बाहर निकाल। अगर तुम अपना लवर कॉटेज मेरे नाम कर दो और मेरे असिस्टेंट बन जाओ तो ही मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। बोलो डील। मुसीबत में घरे को भी बाप बनाना पड़ता है। डील करने से चाचू बोलो, इसे जक्का के धक्का वाले गेस्ट हाउस में ले चलो। नहीं छोड़ो। चलो। सारी एकड़ी निकल गई, उठने की हिम्मत है? मारना अब भी काफी जोश है, मगर संध्या तुझसे प्यार करती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ध्यान से सुन, संध्या से शादी करने जा रहा हूं, उसी डेट को, उसी जगह और उसी मंदिर में। उससे अगले जन्म में मिल लेना। वो मेरी है। बेचारा, देखा अपने भाई को कैसे कुत्ते की तरह चला रहा है। ऐसे भी क्या जिद है, चल शादी कर लेते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम जिद क्यों कर रहे हो शादी के लिए? मुझसे शादी करना चाहते हो ना, चलो कर लो। शादी के लिए नहा कर तो आते कम से कम। ए खोपड़ी मत सटका। ए आवाज नीचे करो और चुपचाप शादी कर लो। देखो तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने कृष्णा से शादी की। रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ, पर दिल रहेगा कृष्णा के पास। 2-3 बच्चे भी हो जाएंगे शायद, लेकिन कृष्णा मिलेगा ना तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। बाप रे, मेरे कान में दम हो गया। जरा कम बोला कर, बोलती रहती है, अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देती। इसने उसे मार दिया है। किसने? इसने। हाँ। क्या बात कर रहे हो, इसके जैसा कमजोर दिल और कमजोर शरीर वाला मेरे कृष्णा को क्या मारेगा? मैं नहीं मान सकती। क्या मान नहीं सकते? मान नहीं सकते, इन हाथों से मारा है उसे। रहने दो। ठीक है, मुझे उसकी डेड बॉडी दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मंजूर है? और फिर तुमसे खुशी खुशी शादी भी कर लूंगी। अच्छा। उसकी बॉडी तो यहाँ नहीं है। अबे सालों, चारों तरफ खोदो। इन लोगों ने जितना खोदा है उतना तो ओएनजीसी वाले पेट्रोल के लिए भी नहीं खोदते। सिर्फ मिट्टी है, बॉडी नहीं है। इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? वो शादी वाले दिन जरूर आ जाएगा। ये लड़की मेरे कान खराब करके रहेगी। जक्का फौरन से बेचकर इसे दफा करो यहाँ से। तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हो? अगर चाहूँ तो इसी वक्त तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। उसके मरने तक शादी नहीं करेगी ना तो पहले उसे मारूंगा, फिर तुझसे शादी करूंगा। भतीजे, तुम हमेशा प्रोजेक्ट आगे खिसका देते हो कोर्ट की सुनवाई की तरह, और होता कुछ नहीं। क्या यमलोक में ढूंढे उसे? कृष्णा के भाई भाभी, उसके दोस्त, सबको ढूंढो। 1 घंटे के अंदर ये सभी लोग मेरे गेस्ट हाउस के अंदर होने चाहिए, समझ गए? फिर वो क्या, उसका बाप भी आएगा, जल्दी करो। बाप रे, फिर से वही मुसीबत। हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सुना नहीं? जाओ ढूंढो। नमस्ते भाई, क्या करना? सुबह सुबह अपने सारे आदमियों को लेकर यहाँ चले आओ, मेरे भतीजे की शादी है। उन्हें बोल देना खाने में छीना झपटी ना हो। ठीक है भाई। भतीजे, मैंने जबरदस्त इंतजाम किया है, अपने आदमी पूरे शहर को कंट्रोल कर लेंगे। अपने पंटरों को फोन कर और पूछ कि उसकी फैमिली से अभी तक कोई मिला कि नहीं। हेलो बॉस। अबे उल्लू, कोई मिला क्या? हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसकी फैमिली को लेकर आना, नहीं तो शक्ल बिगाड़ दूंगा। अभी तक कोई नहीं मिला? कैसे मिलेंगे, लोमड़ी की तरह चालाक है, सींग की तरह गायब हो जाते हैं। भाई, कोई 3 लोग आपसे मिलने आए हैं। इस वक्त हमसे मिलने कौन आ सकता है? उन्हें अंदर भेज दो। एमआरओ शेखर का घर कहाँ है? बस सीधा जाइए, जैसे ही लेफ्ट लेंगे राइट वाली बिल्डिंग में है, 1st फ्लोर। नमस्कार अंकल। कोई जरूरत नहीं भतीजे, ये कृष्णा का बड़ा भाई। क्यों बे, हमारे आदमी गए थे ना तुम्हें लाने के लिए, फिर अपना खर्चा करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस बार क्या प्लान करके आया? कोई प्लानिंग करके नहीं आए हैं सर। हमें डर था कि कहीं आपके आदमी हमें मार न दें, इसलिए हम जक्का सर की पनाह में आ गए। बातों में मत आना, मैंने बताया था ना कि कैसे इसने डरपोक बन के मुझे बेवकूफ बनाया था। बाय द वे एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने साथ ये सूटकेस लेकर क्यों चलते हो? दो नंबर का धंधा है क्या? कृष्णा को तो आप जानते हैं सर, अक्सर उसकी वजह से हमें घर बदलना पड़ता है, इसलिए हैबिट पड़ गई है। हम बहुत स्लो हैं, इसलिए पहले से ही पैक करके रखते हैं। कहाँ है तेरा भाई? हम नहीं जानते सर कि वो कहाँ है, फिर भी अगर वो आपको मिल जाए तो उसे मार डालना। इसलिए आपकी शादी होने तक हम तीनों यहीं रहना चाहते हैं सर। तुम्हारे भाई ने भी यही कहा था, मगर ऐन वक्त पर हमें बहुत जोर से झटका दिया। ये यहीं रहेंगे, जाओ इनका रूम दिखाओ। कृष्णा ने गज्जू को भला बुरा कहा तो तुमने उस पर भरोसा कर लिया, अब इन पर भरोसा कर रहे हो? इनके मन में जरूर कोई प्लान है। इनको प्लानिंग करने दे, आप उनकी भी सुपर प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग तो मैं कब से सुनता आ रहा हूँ। जाओ मेरे बाप, कोई रूम देख कर सेट हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में मेरे आदमी पता नहीं गाड़ी में कब से डीजल फूंक रहे हैं, उन्हें बुलाता हूँ। Hey! ये तो रेडीमेड है, मैंने समझा कोई नौकर है। पहचान लिया, शुक्रिया। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? ये तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। ऑर्डर बोलो, मैं यहाँ पे वेटर हूँ। वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? अगला बदनसीब कौन है? कल संध्या की शादी है और हम उसे दुल्हन बनाने आए हैं। क्या उच्च विचार है तुम्हारे? मैं समझता था फैमिली में एक ही नीच है, लेकिन होल फैमिली गोल है। लगता है तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो। कौन मैं परेशान हूँ? दांत मत पीसो, बताओ संध्या कहाँ है? संध्या कहाँ है? सिर्फ एक सीटी बजाई तो ये हालत हो गई है। अगर बता दिया कि संध्या कहाँ है तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने बताया। नहीं बताऊंगा। सच में? कसम से? आपकी कसम? मेरी कसम? देखा इसे, यह आपके खानदान का उभरता हुआ चिराग है। टिप ले लो पर बताओ संध्या कहाँ है? मुझे पता नहीं कि उसका रूम नंबर 5 है। संध्या, तुम तो हमें भूल ही गई। इतनी उदास क्यों हो? कल तुम्हारी शादी होने वाली है, दुल्हन को तो चहकते रहना चाहिए। ये लो हमारी तरफ से शादी का जोड़ा। कृष्णा, वो सुबह तक यहाँ आ जाएगा, तुम्हें अपने साथ डोली में बिठा कर ले जाएगा बेटा। अरे सुनो, जक्का के आदमी गली गली में हमें ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे म्यूनिसिपल वाले आवारा कुत्तों को ढूंढते हैं। हनीमून का खर्चा 50,000 रूपए होगा। बुक कर दे। हाँ कर दे। ओके। हनीमून किसका? अरे कल सुबह कृष्णा और संध्या की शादी है तो उनके हनीमून का इंतजाम कर रहे हैं। अरे मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम लोग हनीमून की बातें कर रहे हो। जक्का के आदमी हमें गाजर मूली की तरह काट के हमारा अचार बना देंगे। तुझे बेटा डर हो गया, तू डर की गोली खा। ये सब क्या हो रहा है? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, कृष्णा ने टकाटक प्लान बनाया है, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। वैसे कृष्णा कहाँ है और उसने बिना देखे ये सब प्लानिंग कैसे कर ली? तेरे माँ बाप ने तुझे देख के प्लानिंग की थी क्या? अब कृष्णा जक्का को लगाएगा छक्का, साथ में जोरदार लात और मुक्का। ऐसा लगता है उसका टाइम पूरा हो गया। वो आएगा, वेट करो। लो, वो आ गया। हिम्मत है तो जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हिम्मत की तो तेरी दाद देनी पड़ेगी, ये मेरा इलाका है। आई एम लोकल। कैसा लोकल? पूरा शहर आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अबे लुखे कितना बोलता है बे तू? तेरे इन आदमियों के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग बना कर आया हूँ मैं। कैसी प्लानिंग बे? तेरे भैया और भाभी मेरे पास है, कभी भी काट सकता हूँ उनको। अबे जा, ए, मैंने उन्हें तेरे पास भेजा था, अगर उन्हें टच भी किया तो सबको टपका दूंगा। अच्छा अभी टच कर। ए जक्का, काय को पंगा ले रहा है? जान प्यारी नहीं है क्या? कितना पंगा लेगा तू, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा तू देखना चाहता है तो देख। ए जक्का, पिक्चर अभी बाकी है। ओए, क्या हुआ बोल? नहीं, मत कर। भतीजे, ये लोकल नहीं कोई स्पेशल लग रहा है। भलाई इसी में है कि पतली गली मिले या चौड़ी गली निकल लेते हैं। ओए, माफिया का लाइसेंस मेरे घर से इश्यू होता है। तू क्या यहाँ मुझे गुंडागर्दी सिखाने आया है? अबे जक्का, तू क्यों है अक्का बक्का? हमसे ट्यूशन लेगा क्या? मेरा कोचिंग सेंटर है, एडमिशन लेगा तो डिस्काउंट भी दूंगा। जल्दी कर, लिमिटेड सीट्स हैं। अरे पहली बार तो बच गया था, इस बार नहीं बचेगा कसम से। ठीक है ना शाणे, आग से खेलेगा तो चल जाएगा। मैं ज्वालामुखी हूँ, मुझे छुएगा तो राख हो जाएगा, समझा? क्या हुआ? कृष्णा आखिर बची गई मेरी सीटी। ऐसे क्या देख रहा है, पुराना चेहरा है, इसका चेहरा बदल डाल। उठ उठ, मैं अब निकल रहा हूँ। पूरा मैच देख कर आना और आंखों देखा हाल मुझे भी बताना। संध्या, हाँ? मुहूर्त का टाइम हो रहा है। You continue.